कहते हैं ना, कैचेस विन मैचेस। एक कैच पूरे मैच का मोमेंटम बदल सकता है और आपको दूसरी टीम से आगे निकाल सकता है। एक कैच बड़े प्लेयर का विकेट दिलवाकर सबसे बड़ा मैच जितवा सकता है। एक कैच आपकी मैच में वापसी करवाकर जीत के करीब ला सकता है। और अगर आप गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट हैं तो कैच द डील, क्योंकि ये डील आपको सरकारी नौकरी में विजय दिलवाएगी। ये डील आपकी प्रिपरेशन का पूरा मोमेंटम बदल देगी। ये डील आपको जिंदगी के सबसे बड़े एग्जाम में सफलता दिलवाएगी। कैच द डील में आपको मिल रहा है अप टू 90% ऑफ सभी सुपर कोचिंग पर। तो अगर आप इन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अभी जाइए कैच द डील एंड कैट द सिलेक्शन। चलिए दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है टेस्ट बुक चैनल पर। वेरी 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 गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज तो क्वेश्चन भी कुछ ऐसे हैं जो आपने अभी तक नहीं पढ़े हैं। सीएचएसएल 2024 का जो 5 साल का प्रीवियस ईयर का सारा क्वेश्चन है वो उठाएंगे, और ये हर एग्जाम के लिए जरूरी है क्योंकि एकदम नया एग्जाम अनाउंस हुआ है। तो इसके जैसे क्वेश्चन आपको एसएससी के सीपीओ में मिल सकते हैं, सीएचएसएल में, सीजीएल में, रेलवे में, स्टाफ सिलेक्शन या फिर आपका सिलेक्शन पोस्ट 12, ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्स आने वाले हैं, DSS भी और ये सब चीजें तो थोड़ा ठीक है, लेकिन ये सब जो एग्जाम आने वाले हैं उन सब में भी इसका बहुत फायदा है। बेसिकली 2 घंटे पढ़ने का फायदा रहेगा, ठीक है, हर बच्चे को, चाहे वो रेलवे, एसएससी, डिफेंस, किसी भी एग्जाम का हो, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन नया सीखोगे ना तो ऑटोमेटिकली बेनिफिट लोग। आसान क्वेश्चन भी हो सकते हैं क्योंकि देखो सीएचएसएल का पेपर है तो इजी क्वेश्चन भी हो सकते हैं, ठीक है, और डिफिकल्ट तो डेफिनेटली हर पेपर में होते हैं। स्टार्ट कर, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना अमन सर टेस्ट बुक, जब 2 घंटे हो जाए ना उसके बाद ही निकलिए यहां से, ठीक है। और ना इवन ये भी ध्यान रखिएगा कि कितना पार्टिसिपेशन आपका है, आप इस चीज को भी ध्यान रखें, ठीक है, कि भाई आप कितना आंसर दे रहे हैं। ये डील भी आप यूटिलाइज कर सकते हैं, आज अमनदीप कोड यूज करके फीस आपकी कम हो जाएगी, और सारे यूज कर रहे हैं रेलवे, एसएससी में, सभी में, तो आप भी यूज कर सकते हैं अमनदीप कोड यूज करके, ठीक है, सभी बैठ। अच्छा पहले एक बारी सभी के सभी ना कमेंट बॉक्स में ना अपने एग्जाम का नाम लिख दो एक बारी, सो रेड की मेरे को पता चल रहा है कि कौन कौन सा बच्चा किस एग्जाम की तैयारी कर रहा है। आपको ये चीज तो पता ही है, मैं शाम को 7 बजे आप सभी के लिए मंडे से लेके आने वाला हूँ एक पूरी सीरीज 10,000 क्वेश्चन, तो वो अनाउंसमेंट मैं कर चुका हूँ कि मंडे को शाम को 7 बजे से बैच स्टार्ट होगा। हर बच्चा देखेगा, 1 लाइनर बैच होगा, ठीक है, हर बच्चा 1 लाइनर बैच देख लेगा, ठीक है। चलो फिर स्टार्ट कर रहे हैं। लंदन पीएससी की तैयारी कर रहे हो? लंदन का मेयर बताऊंगी, चलिए तो फिर पहला क्वेश्चन लंदन पीएससी के नाम पे आप सभी के समक्ष, ठीक है, लद्दाख पीएससी बनना पड़ेगा आपको इसके लिए। चलो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, कह रहा है कि भैया कोल्डेस्ट प्लेस इंडिया में कौन सा है, इंडिया का सबसे कोल्डेस्ट प्लेस कौन सा है, कमेंट करिए जल्दी से बताएगा। देखो अब होता क्या है कि जैसे ये चारों क्वेश्चन आसान है इस पेपर में, और सारे क्वेश्चन आसान होते हैं, बट कभी कभी ना ऑप्शन थोड़े से खिलवाड़ करने वाले देते हैं। वही खिलवाड़ करने वाला ऑप्शन है, लेह भी ठीक ठाक है, द्रास भी ठीक ठाक है, श्रीनगर भी, अमरनाथ भी, इसमें से सबसे कोल्डेस्ट कौन सा है, तो इनमें से सबसे कोल्डेस्ट है द्रास, ठीक है, द्रास वैली सबसे कोल्डेस्ट है, तो इस पे क्वेश्चन आपको मिल सकता है, ठीक है ना। चलिए एक और क्वेश्चन देखेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर है द्रास वैली सबसे कोल्डेस्ट, इवन हॉटेस्ट का भी पूछ सकता है। अच्छा मुझे बताओ हॉटेस्ट जो है कौन सी स्टेट में, सबसे हॉटेस्ट हमारे इंडिया में कौन सी स्टेट है, बस स्टेट का नाम बता दो कि भैया हाँ इस स्टेट में सबसे हॉटेस्ट है, ठीक है, सारे के सारे बताओ आंसर क्या है इस क्वेश्चन। बेटा देखो आज ये वाली ही क्लास है, इसके बाद रात को क्लास नहीं, पता ही है सैटरडे संडे मैराथन होती है, तो मैं 2 मैराथन रख रहा हूँ, आज मैं रख रहा हूँ 8 बजे, कल मैं रखूंगा रात को 8 बजे, ठीक है, आज मैं रख रहा हूँ 8 बजे, कल मैं रखूंगा रात को 8 बजे, सो डेट की आपका पूरा एक कवरेज हो, ठीक है। तो अभी हम जीके कर लेंगे रात को 8 बजे, कल पूरी साइंस का मैराथन रखेंगे, ठीक है, टेस्ट बुक रेलवे चैनल पे, उसके बाद से मंडे से रेगुलर क्लास। राजस्थान आंसर होगा, अगर ये होटल का पूछता ना तो राजस्थान आंसर होगा। चलिए अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एक बड़े फेमस वेटरन जर्नलिस्ट टीवी एंकर हैं करण थापर, नाम सुना होगा आपने करण थापर भी,
अब सवाल ये पूछा जा रहा है कि करण थापर ने इसमें से कौन सी किताब लिखी थी, क्योंकि देखो जैसे ये वाला क्वेश्चन है, करण थापर ने कौन सी किताब लिखी थी, कोई भी फेमस व्यक्ति की लिखी हुई किताब आपके पेपर में आ सकती है। जब पेपर हुआ होगा उस समय करण थापर फेमस रहे होंगे, ठीक है ना। तो आंसर क्या है इस क्वेश्चन का कि करण थापर जो है इन्होंने किताब लिखी थी डेविल एडवोकेट द अनटोल्ड स्टोरी, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आपको बचता है। अच्छा, इसमें से वाई आई एम हिंदू किताब भी बड़ी फेमस रही है, ठीक है। वाई आई एम हिंदू किताब भी बड़ी फेमस रही है। आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स पे डालना कि इस किताब के ऑथर का नाम क्या है, और बड़ी फेमस किताब है। सच में क्वेश्चन आ चुका है इस पे भी कि वाई आई एम हिंदू किताब किसकी है, बड़े फेमस ऑथर है। आपकी अगर इंग्लिश वीक है तो आप उनके पास जाइए और वीक हो जाएगी। आंसर है इस क्वेश्चन का शशि थरूर, ठीक है। आंसर है शशि थरूर, क्वेश्चन आपको मिल सकता है, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन देखिएगा। हाँ जी, देखो इसमें ना, इस वाली क्लास में ना आपको सिर्फ ऐसा नहीं कि एक स्ट्रेटेजी के क्वेश्चन मिल गए या सिर्फ एक हिस्ट्री पॉलिटिक्स मिल गया, पूरा पेपर है। पेपर का जो भी क्वेश्चन, इवन साइंस का भी क्वेश्चन होगा तो वो भी आएगा, ठीक है। अंदाजा हो जाएगा आपको पेपर से कि क्या है। बताए विच ऑफ दीज इज नॉट करेक्ट रीजन फॉर द गुड टू बी आइडेंटिफाइड एज फाइनल गुड, इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। बताइए, देखो अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है कि भैया कोई भी जो इसमें से क्या करेक्ट रीजन है जिससे हम किसी भी गुड को एक फाइनल गुड घोषित कर सकते हैं कि भैया ये फाइनल गुड है, ठीक है ना। अब बताइए कैसे हमें, हम किसी प्रोडक्ट को, जैसे मान लो कि मैं अपने लिए एक जो है माइक लेके आया, ये मैं अगर रोड का माइक लेके आया हूँ तो ये मेरे लिए फाइनल गुड कब होगा, ठीक है। ये मेरे लिए फाइनल गुड कब होगा, मार्केट में जब ये मेरे पास आएगा। बताइए आंसर क्या है इस क्वेश्चन का। देखिए वही प्रोडक्ट फाइनल गुड होता है, देखो यार वही तो चीज फाइनल गुड होगी ना, जिसपे फर्दर कोई हम जो है प्रोसेस नहीं कर सकते, है ना। इट इज नो नॉट प्रोसेस फर्दर बाय अ प्रोड्यूसर, ठीक है। प्रोड्यूसर बेचने वाला बंदा जो है, जिसने उसका उत्पादन किया है, वो उसमें उसके आगे कुछ नहीं करेगा, सीधा मार्केट में कंज्यूमर को बेचेगा, ठीक है। तो वो फाइनल गुड होता है तभी मार्केट में कंज्यूमर के पास जाता है, उसमें फर्दर कोई चीज प्रोड्यूसर की तरफ से नहीं होती, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन अच्छा, इस चीज का ध्यान रखना, कंज्यूमर की तरफ से कुछ भी हो सकता है। कंज्यूमर गुड्स को लेके आए, ठीक है, कंज्यूमर गुड को लेके आए, उसके बाद कंज्यूमर उसका कुछ भी कर सकता है, लेकिन प्रोड्यूसर की तरफ से ध्यान रखना। इसमें मैंने एक बार ऐसा क्वेश्चन देखा है कि एक स्टेटमेंट में लिखा है इट इज नॉट प्रोसेस फर्दर बाय द प्रोड्यूसर, दूसरा लिखा है इट इज नॉट प्रोसेस फर्दर बाय द कंज्यूमर, तो वो कंज्यूमर वाली स्टेटमेंट भी गलत हो जाती है, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन देखिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, देखो ये आपको अभी मिला है कि फर्स्ट फीमेल जस्टिस ऑफ तेलंगाना, क्योंकि लेटेस्ट उस समय रहा था अपडेट। अब अभी फिलहाल हमारे भारत की जो सबसे पहली महिला, ठीक है, जज रही हैं सुप्रीम कोर्ट की, उनका निधन हुआ है, ठीक है। उनपे भी क्वेश्चन आपको मिल सकता है। तेलंगाना की पहली फीमेल चीफ जस्टिस बनी, उनपे भी क्वेश्चन मिल सकता है। अभी लेटेस्ट में उत्तराखंड की पहली महिला चीफ जस्टिस बनी है, उनपे भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। ध्यान रखना, आंखें खोल लो, बहुत सारे क्वेश्चन आपको सीखने पड़ेंगे। आंसर इस क्वेश्चन का हिमा कोहली, इस क्वेश्चन का आंसर है। पता है कौन से राज्य में सबसे पहली महिला जज बनी थी हाई कोर्ट की, कौन से राज्य में? हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश क्या पहला राज्य था जहां पे पहली बार कोई महिला जज बनी थी हाई कोर्ट की? यस और नो, जल्दी से बताइए आंसर क्या है। पार्टिसिपेट करो, बहुत टाइप के क्वेश्चन सीखने हैं, जितने बच्चे हैं सभी के सभी आंसर बताओ। हिमाचल प्रदेश इज इक्वल टू यस, और नाम था लीला सेठ, और सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज जिनका अभी निधन हुआ है उनका नाम था फातिमा बीबी, ठीक है। उत्तराखंड की नई जो जज बनी है, पहली महिला जज है, वो है रितु बहारी, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, पार्टिसिपेट करो, बताओ क्वेश्चन क्या है। इस क्वेश्चन का आंसर, अच्छे लेवल के क्वेश्चन आते हैं सीएचएसएल में, मैंने देखा पेपर कि भाई ठीक ठाक क्वेश्चन आ रहे तो करा दिए। अभी मैं एक पेपर और उठा रहा हूं, अब मैं 5 साल के सीजीएल के क्वेश्चन उठाऊंगा अगले हफ्ते। मैं हर हफ्ते सैटरडे को सुबह 8 बजे किसी पेपर के 5 साल के क्वेश्चन पकड़ाता हूँ आपको। पहले मैंने आपको सीपीओ के पकड़ाए थे, इस बारी मैं सीएचएसएल पकड़ाऊ, अगले हफ्ते मैं आपको सीजीएल के कवर कराऊंगा, ठीक है। और रेलवे की तो मैंने सीरीज ही चला देनी है रात को 7 बजे, और 7 बजे 10,000 क्वेश्चन सारे, ठीक है। सर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्ट फॉर्म ऑफ केला,
यूनेस्को की इंटेंजिबल लिस्ट में है। ठीक है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है, कि भाई कौन सी ऐसी एक यूनेस्को की लिस्ट में हेरिटेज, इंटेंजिबल हेरिटेज में आता केरला का। तो आंसर क्या है इस क्वेश्चन का? कुतित्यम। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? आंसर कुतित्यम। इस क्वेश्चन का आंसर कितना मुश्किल क्वेश्चन, वेरी डेंजरस क्वेश्चन। देखो यूनेस्को इंटेंजिबल में सब आता है, दुर्गा पूजा आता है, रामलीला आता है, ठीक है, आपका काल मेला आता है, ऐसे ही गरबा भी आता है, बिल्कुल आता है, और कुतत्यम भी आता है। कुतत्यम केरला का है जो यूनेस्को हेरिटेज इंटेंजिबल लिस्ट में है। ठीक है, भनक नहीं लग रही है, नहीं है नॉलेज तो चलेगा, लेकिन भैया कोशिश नहीं करोगे तो फिर नहीं चलेगा। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, बड़ा फेमस किताब जिसको बुकर प्राइज मिला 1997 में, और ये इनका पहला नोबल था, इन्होंने शुरुआत करी थी नोबल लिखने की। इसके बाद इनको बहुत सारे जो है प्राइज मिले हैं, आप सभी जानते हैं इनके बारे में। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग इट्स वन ऑफ द फेमस बुक जिसको बुकर प्राइज से सम्मानित किया गया, इनके डिबेट नोबल जो इन्होंने लिखा था सबसे पहली बार। इकोनॉमिस्ट है, बहुत फेमस नाम है अरुंधति रॉय। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, आंसर है अरुंधति रॉय। देखो इसमें झुम्पा लहिरी, किरण दास देसाई, अनीता देसाई, ये सब फेमस है। झुम्पा लाहिरी तो बहुत ज्यादा फेमस है, ठीक है, अरुंधति रॉय का तो नाम आपने सुना होगा। एक काम और कर लेना, चैनल सब्सक्राइब करना, सो डेट की सभी को नोटिफिकेशन मिलता रहे। देखो मेरी जो क्लास है ना, ऐसा नहीं कि मैं पहली बार 8 बजे पढ़ा रहा हूँ, सिर्फ मैराथन है सैटरडे संडे तभी पढ़ा रहा हूँ। मैं हर दिन सुबह 8 बजे पढ़ाता हूँ, सिर्फ संडे को छोड़ के, सिर्फ संडे को छोड़ के, चाहे आप मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे जिस दिन भी आओगे, आपको हर दिन सुबह 8 बजे इधर मेरी क्लास मिलती है। और इस क्लास में पूरे 12 महीने का करंट अफेयर हो रहा है, मंडे टू सैटरडे पूरे 12 महीने का करंट अफेयर हो रहा है। मौका मत छोड़िए, सुबह 8 बजे आके रेगुलर पढ़ के आप पूरा पेपर निकाल सकते हो, कोई सा। चलिए इनकरेक्ट क्या है? अब बड़ा मुश्किल क्वेश्चन है, सीएचएसएल में आया हुआ है, थोड़ा सा नॉलेज से बाहर का भी होगा। बताइए आंसर क्या है इस क्वेश्चन का? कह रहा कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है ना। देखो आप जैसे मैं अगर आपसे कहूं कि भाई ये इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन जो हैं थोड़े से हाई लेवल के हैं, तो थोड़ी सी स्टेटमेंट बेसिक पता होनी चाहिए। कह रहा इंडस्ट्रियल सिक्योरिटीज मार्केट इज ऑल्सो कॉल्ड एज गिल्ट एज मार्केट। ये पहली स्टेटमेंट नलायकों ने गलत कर दी है, और नलायकों तुम्हें कुछ नहीं पता, तुम्हें इकोनॉमिक्स का ई नहीं पता, तभी तो आंसर सी पे पहुंच गए। पहली स्टेटमेंट ही गलत है। गिल्ड एज मार्केट पता है कौन सी होती है? गिल्ट एज मार्केट होती है जिसमें कम रिस्क हो, ठीक है, कम प्रॉफिट हो, कम रिस्क हो, उसे कहते हैं गिल्ट एज मार्केट। क्या कहते हैं? गिल्ट एज मार्केट कहते हैं जिसमें कम रिस्क हो, कम प्रॉफिट हो। और ऐसी सिक्योरिटी इंडस्ट्री की सिक्योरिटी नहीं होती, गवर्नमेंट की सिक्योरिटी होती है। तो इंडस्ट्री की जगह इधर गवर्नमेंट लिखा होता तब ये स्टेटमेंट सही होती, क्योंकि ये स्टेटमेंट गलत है, तो यही आंसर भी है। ठीक है, यही आंसर भी है। ठीक है, जिसको नहीं पता वो सब नलायक है भाई, सीधी सी बात है यार। तुम्हें गिल्टेज सिक्योरिटी नहीं पता है कि गवर्नमेंट की सिक्योरिटी है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी में लोग पैसा लगाते, तुम्हें नहीं पता, तुम्हारी इकोनॉमिक नॉलेज कहाँ है, फाइनेंशियल नॉलेज कहाँ पे गई? ठीक है, 2024 में जी रहे हो, सरकार की सिक्योरिटीज का नहीं पता तुम्हें, पेपर तो छोड़ो तुम। सेकेंडरी मार्केट बिल्कुल सही है, ये आरबीआई डोमिनेंट प्ले करता है रोल गिल्टेज में, बिल्कुल सही बात सरकार की है तो। ठीक है, प्राइमरी मार्केट में न्यू इश्यू होते हैं मार्केट के, सब सही है, बस पहली स्टेटमेंट बिल्कुल कतई गलत। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देखिए। सीएचएसएल को हल्के में ना लीजिएगा, मैं तो ये कहता हूँ। देखो कुछ बच्चे ना अपने एग्जाम को ना हल्के में ले जाते हैं कि भैया क्या ही है रेलवे, कर देंगे रेलवे तो वैसे भी आसान होता है, क्या ही है सीएचएसएल, एसएससी, जीडी, क्या ही है भाई। हर पेपर में जीके का लेवल अच्छा हो गया, इतना अच्छा हो गया कि दिक्कत होती है बच्चों को, जीके में होती है खास करके, बाकी सब्जेक्ट में नहीं होती। ठीक है, जीके में बहुत दिक्कत होती है, ठीक है ना। चलो तो आंसर क्या इस क्वेश्चन का? कह रहा है कि भाई मराठी राइटर जो ऑथर है एक ऑटोबायोग्राफी के, माझिया जलमाची, ठीक है, बताइए अब राइटर का नाम बताइए जिन्होंने एक बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी लिखी है, माझिया जलमाची, ये चित्र कथा, क्या है आंसर? बड़ा ही मुश्किल हो गया है, तो ये तो ज्ञान से परे हो गया। ठीक है, देखो जैसे अगर मैं ये वाला क्वेश्चन देखू ना, मेरे को ना ये देख के ना थोड़ा सा ना महाराष्ट्र वाली फीलिंग सी आ रही है। नाम देखिए, माझिया जलमाची,
ठीक है, चित्र कथा, देख के नाम ना महाराष्ट्र जैसा लग रहा है, ठीक है ना? तो वो जो इंग्लिश महाराज जैसा नाम लग रहा है ना, तो इसमें मेरे को एक कामले दिखाई दे रहे, ठीक है? तंता भाई कृष्णा जी, कामले इस क्वेश्चन का आंसर है, बड़ा ही मुश्किल क्वेश्चन, ठीक है? ये क्वेश्चन है, एक बच्चा कह रहा है युवराज क्या है ये क्वेश्चन है मेरे भाई, ठीक है? बताइए दिलोदार हिल्स जो है कहाँ पे है? कोई कहेगा है, आप हमसे शिमला पूछो, मनाली पूछो, आप हमसे ज्यादा से ज्यादा हो सकता है तो पीर पंजाब पूछो, कोई ऐसी हिल पूछो जो हमने सुनी हो, ठीक है? सोचा हो कि यहाँ जाएंगे, आप तो पता नहीं क्या दिनोधार पूछ रहे हो। मैं नहीं पूछ रहा, पेपर होल पेपर वाले पूछ रहे हैं, सीएचएसएल वाले पूछ रहे हैं, ठीक है? दिनोधार हिल्स कहाँ पे है? आंसर है इस क्वेश्चन का क्या? गुजरात इस क्वेश्चन का आंसर है, मोदी जी की स्टेट, आंसर है गुजरात, ठीक है? क्वेश्चन आते हैं, अलग अलग क्वेश्चन टाइप आप देखो आज, समझो। और देखो मैं आपको ये भी चीज बता दूं, जो ये लेवल है ना, इस लेवल को मैं शाम को 7 बजे मंडे से नई सीरीज में लेके जाऊंगा। मंडे की सीरीज ना बाकी क्लासेस से थोड़ी सी यूनिक रखेंगे 7 बजे की, क्योंकि उसमें मैं इस लेवल को लेके जाऊंगा जो टच नहीं किया, ठीक है ना? तो आपको ये चीज याद रखोगे सभी की, मंडे को शाम को 7 बजे से तैयारी स्टार्ट कर देनी है नए क्वेश्चंस की, नई सीरीज की। ये सारे क्वेश्चन आपके नए हैं, 10,000 क्वेश्चन, बिल्कुल नए क्वेश्चन आपको मैं करा सकता हूँ। आप में से कौन कौन शाम को 7 बजे मंडे से जुड़ जाओगे क्लास में, मतलब एक टाइम निकाल लो आप 7 बजे, क्योंकि अगर आपको ऐसे क्वेश्चन करने हैं, ये क्वेश्चन टाइप सीखना है, तो भाई आना पड़ेगा, ठीक है? तो आना पड़ेगा, यस लिख दो जो जो शाम को 7 बजे मंडे से आ सकता है, काम आएगा बहुत कंटेंट आपको, ठीक है? पहले इंडियन म्यूजिशियन जिनको ऑस्कर अवार्ड मिला बेस्ट ओरिजिनल स्कोर के लिए, एंड इट्स इंपोर्टेंट क्वेश्चन। आप सभी जानते हैं कि भैया पहला जो ऑस्कर है वो तो साउथ के एक साउथ इंडियन ने लिया था एक, ठीक है? उम्मीद करो सबको याद है, सबको पता है, ये कुछ ज्यादा ही कलाकार निकले, ठीक है? इन्होंने ही ऑस्कर लिया, खींचा इन्होंने ऑस्कर, तो आंसर ए आर है, मैंने शायद सभी को बताऊंगा, ठीक है ना? आजा 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 आसमाने के तले, पता नहीं क्या क्या गाने गा दिए, ठीक है? आंसर है ए आर रहमान, ठीक है ना? चलिए आंसर है इस क्वेश्चन का ए आर रहमान, इस क्वेश्चन का आंसर है। एक और क्वेश्चन कह रहा, ब्राइट एगल और अल्बाट्रोस, ये सब टर्म जो है, ओ तेरी ये क्या दे दिया, हमने तो स्पोर्ट्स की टर्म्स में ये सुना था कि बटरफ्लाई पूछ लेते हैं, ठीक है? ज्यादा से ज्यादा, ठीक है, कुछ और बेसिक चीजें पूछ लेंगे, इसने तो पता नहीं क्या पूछ लिया, ठीक है? एगल हो गया, अल्बेट्रोस हो गया, ये सब टर्म किससे संबंधित है, ठीक है? आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, कि ये सब टर्म जो है किससे संबंधित है, गोल से संबंधित है, और जैसे राइडर कप हो गया गोल से संबंधित, ठीक है ना? उसके अलावा और भी है राइडर कप होने के साथ साथ, ठीक है, जो गोल से संबंधित है, क्वेश्चन आता है, ठीक है? चलो एक और क्वेश्चन देखिए, रिवर सरवती, ठीक है, ये कौन से झरने का रूप लेके गिरती है? बताइए, मतलब ये नदी है, उसे ज्यादातर नदियां ही झरने का रूप लेके गिरती हैं, तो आप वही पूछा जा रहा है, ठीक है? और ये जो सरवती नदी है, ये इतना फेमस झरना है ना, इस नदी से इतना फेमस झरना बनता है ना, प्रसिद्ध है जो ये झरना, ठीक है? बताइए कौन सा झरना, ठीक है, झरना झरेगा, बताइए आंसर क्या है इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? देखो अगर मैं रिवर सरस्वती सरवती की बात करूं, सरस्वती नहीं सर्व सरवती, क्योंकि तो सरस्वती तो खत्म है, ठीक है? आंसर है इस क्वेश्चन का 1100, ठीक है? आंसर है इस क्वेश्चन का 1100, ठीक है ना? चलिए एक और क्वेश्चन देखिए, नो आइडिया इज इक्वल टू, पढ़ लो भैया गेटा आइडिया, शाम को 7 बजे वाली क्लास से ही आइडिया मिलेगा मंडे से, ठीक है? ऐसे क्वेश्चन का तो, अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ये साइंस का दिल दहला देने वाला क्वेश्चन हो गया, किसमें पूछा है? सीएचएसएल में पूछा है, ठीक है? कह रहा आइसोपेंटेन ऑल्सो कॉल्ड एज डैश, ठीक है, जो कि एक स्ट्रक्चर बनाता है C5H12 का। अब कोई कहेगा सर बड़ा मुश्किल क्वेश्चन है, ठीक है? मैं कहूंगा थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा इसमें, ठीक
थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा तभी हो। जैसे देखिए C5H12 कह रहा है ना, यानी कि मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, ठीक है, आइसो पेंटेन यानी कि पेंटेन है, पेंटेन का आइसोमर होता है 2-2-मिथाइल ब्यूटेन, ठीक है, 2-मिथाइल ब्यूटेन, ठीक है। चलिए तो ये क्वेश्चन आपका गया, इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा। आपका ये सर ये सब कैसे सीखा जाए, ये सब सीखने के लिए आपको आना पड़ेगा मेरी साइंस की क्लास में, जिसमें मैं आपको डेफिनेटली ये वाला चैप्टर भी कराऊंगा। अभी अभी मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एडवांस क्वेश्चन नहीं कराया, करना पड़ेगा ये। हालांकि ये थोड़ा सा डीप हो गया, ज्यादा एडवांस क्वेश्चन हो गया मजे लेने के लिए आपके। हाँ सर एक और क्वेश्चन देखिएगा, मीनाक्षी श्रीनिवासन जो है इनको 60 बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार मिला था 2011 में। सर, 2011 के क्वेश्चन पूछेंगे, ये क्वेश्चन की बात ही, ये देखो 5 साल पुराने क्वेश्चन हो गए। बेसिकली ये बताना चाह रहा है कि जैसे मीनाक्षी श्रीनिवासन को अगर अवार्ड मिला है तो ये किस डांस फॉर्म से संबंधित क्वेश्चन आया है, फेमस है वैसे ही अभी भी, ठीक है। तो आपको किसी और का भी मिल सकता है। गुड मॉर्निंग विकास, इतना लेट विकास करोगे तो कैसे होगा विकास, ठीक है। थियरी में 8 बजे आया करो, सुबह 8 बजे, ये आज का नहीं हर दिन का 8 बजे है, तो इसलिए इस विकास को समय पे कराया करो। भरतनाट्यम इस क्वेश्चन का आंसर है। क्या आंसर? भरतनाट्यम इस क्वेश्चन का आंसर है। चलो एक और क्वेश्चन देखिएगा। अच्छा, भरतनाट्यम कौन सी स्टेट का है? सत्रिया, आसाम, मोहितवन और कुचिपुड़ी, आंध्र प्रदेश। तो भरतनाट्यम किस स्टेट का डांस फॉर्म है? जल्दी से आंसर, जल्दी से कमेंट बॉक्स पे आंसर चाहिए भाई। आज की क्लास ना गलती से ना दोपहर 2 बजे लग गई थी, ये चीज का मुझे भी फील हुआ कि 2 बजे तो मैं खुद सोया होता हूँ, तो बच्चे कैसे पढ़ लेते हैं। सुबह 8 बजे लगाई दोबारा क्लास, मतलब अभी किसी को पता नहीं कि मैं क्लास ले रहा हूँ टेस्ट बुक के चैनल पे, बाद में पता चलेगा कि 2 बजे वाली क्लास थी, सबको 8 बजे लेके बैठे हुआ। क्या करें यार, देखो जो समय होता है ना वो समय होता है, बिना समय के तो कोई काम ही नहीं हो सकता, कौन दोपहर को पढ़ता है यार। चलिए आंसर क्या है इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का आंसर होते ही, हाँ जी, गुलामगिरी किताब बड़ी फेमस है, ठीक है। आंसर क्या है इस क्वेश्चन का? जल्दी से देखो, सोना, इन द सेंस सोना, ये नहीं कि सोना एग्जैक्टली सोना हो जाता है, थोड़ा सा ऐसे वाले जो जो मेलाटोनिन नहीं दिमाग में घूमता, थोड़ा सा ऐसे घूमता दिमाग खाना खाने के बाद, उसमें मजा नहीं आता, उसमें दिमाग ही घूम रहा होता है। चलिए आंसर के, जैसे अगर मैं गुलामगिरी की बात करूं, देखो इन्होंने एक समाज स्टार्ट किया था, सत्य शोधक समाज, ठीक है ना, सत्य शोधक समाज। तो आंसर है ज्योतिबा फुले, ज्योतिबा राव फुले इस क्वेश्चन का आंसर है। ये मराठी भाषा में गुलामगिरी लिखी गई थी, इसमें इन्होंने लोअर सोसाइटी के साथ जो गलत चीजें हो रही थी उसका, उसके ऊपर बातें लिखी है, ठीक है। इनकी वाइफ जो है भारत की पहली महिला स्कूल टीचर रही है, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आपको मिल सकता है मेरे दोस्त, एक और क्वेश्चन देखेंगे। चलो पूनम यादव ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि मुंदारी डांस जो है ये कौन सी ट्राइबल कम्युनिटी से? अच्छा क्वेश्चन, नॉलेज से भरे। देखो होता क्या है, जैसे मैं इस एग्जाम हॉल में बैठा हूं, मुझे क्वेश्चन पूछ दिया, मैं लिटरली ना, मेरे को नहीं आता अगर ये मुंदारी, मैं फिर भी अगर ट्राइबल कम्युनिटी देखूंगा ना, मेरे दिमाग में एक बार कोई ये आएगा कि यार क्या पता झारखंड में हो, क्योंकि झारखंड में खूब ट्राइबल कम्युनिटी है। फिर मैं ना एटलीस्ट, ठीक है, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो के बाद जो है झारखंड आके आऊंगा कि भी झारखंड आंसर है इस क्वेश्चन का, ठीक है। ऐसा थोड़ा बहुत पेपर में कर सकते हूँ, 5 से 6 क्वेश्चन के साथ करना चाहिए, 5 से 6 में से 3 से 4 सही हो जाते, लेकिन 10 से 15 नहीं करना चाहिए, फिर फेल हो जाते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन देखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर ये था, ठीक है। एक क्वेश्चन करंट अफेयर का रहा था, बताइए कि भैया जो फिल्म फेयर अवार्ड हुए थे 2022 में, उसमें तो बेस्ट फिल्म पॉपुलर चॉइस अवार्ड किसको मिला था? तो कैसा 2022 का? देखो मैं आपको सिर्फ करंट अफेयर समझा रहा हूँ कि कैसा है, सीएचएसएल अभी हुआ है, ठीक है। तो सीएचएसएल का जो पिछला पेपर था उसमें ये पेपर में क्वेश्चन आया था, मैंने खुद इसका एनालिसिस कराया था, और जो है क्या बोलते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, मतलब लास्ट में ही हुआ था जब मैंने टेस्ट बुक ज्वाइन किया था, मैंने एनालिसिस भी कराया था इसका, ठीक है। आंसर इस क्वेश्चन का क्या है कि कौन सी मूवी है? शेरशाह मूवी है, ठीक है, शेरशाह मूवी है, ठीक है। ये दिल मांगे मोर वाली जो मूवी है, ठीक है ना, क्या नाम था इसमें, हीरो का नाम क्या था,
प्रीति का हस्बैंड, नहीं प्रीति का नहीं, कायरा का हस्बैंड, नाम भूल गया मैं यार हीरो का, बड़ा फेमस हीरो है, मतलब गुड लुकिंग हीरो है, सिद्धार्थ, सिद्धार्थ मल्होत्रा है ना। चल है ना, आगे बढ़ते इसी बात पे, ये शेरशाह एक और क्वेश्चन देखिएगा, पता है बड़ा प्यारा क्वेश्चन, गजब गजब का क्वेश्चन, ठीक है ना। आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, कह रहा है कि कौन सी सेल्फ थ्योरी है जिसने प्रूफ किया था, क्या कह दे रहा है ये सीएचएसएल, इतना मुश्किल भी पूछ दिया। अच्छा जी, ये कह रहा है सेल थ्योरी के हिसाब से कि भैया कौन सी सेल थ्योरी जिसमें ये प्रूव किया गया है कि जो प्रोटीन का जो लेटरल मूवमेंट है वो क्वासी लिक्विड फ्लूड की वजह से होता है। क्योंकि ये बड़ा ही मुश्किल क्वेश्चन है, लेकिन देखो अगर मैं इसमें बात करूं, गोल्गी बॉडीज ये तो एक ऑर्गेनल है, ठीक है, ऑर्गेनल, सेल थ्योरी में हमने कभी ये स्टेटमेंट नहीं सुनी, सेल थ्योरी में हमने कभी ये स्टेटमेंट नहीं सुनी। अब फिर उसके बाद बचता कि वैक्यूल थ्योरी लगाएं या फिर हम फ्लूड मोसाइक थ्योरी लगाएं, ठीक है, या मॉडल लगाएं, ठीक है। तो ध्यान रखना कि ये जो थ्योरी थी वो थी फ्लूड मोसाइक मॉडल, और ये साइंस का क्वेश्चन, आप ये समझ जाओ, ये पेपर का भाई किसी ने आज सपने में, ठीक है, क्वेश्चन तो आया नहीं होगा जो उसने टाइप करके दे दिया, सपने में आया था, ठीक है। और ये वाला क्वेश्चन जो है अगर पेपर में आ रहा है तो आप समझ सकते हो साइंस का लेवल, एसएससी में, रेलवे में तो इससे ज्यादा ही होता है, रेलवे में तो इससे ज्यादा ही होता है बेटा, नैना ठाकुर, ठीक है। अभी आप कल कह रहे थे कि मैंने एक बार ही आईपीएस बनना है, ऐसे बनोगे है? कितने मिनट, आधा आधा घंटा लेट क्लास में। चलिए एक और क्वेश्चन देखिएगा, ठीक है, सोनाली बॉर्डर जो है फेमस है, ये इंडिया और कौन से देश का ट्रांसमिट है। देखो अभी जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ये फिजिकल लोकेशन है इंडिया की, ये है फिजिकल लोकेशन इंडिया की, ठीक है। अगर सुनौली बॉर्डर है, अगर आपने किसी मूवी वूवी में सुना होगा, ये बड़ा फेमस है, ठीक है, बहुत फेमस, यहाँ से जो है ना ट्रांसमिट होता है, इंडिया से लोग नेपाल की तरफ जाते हैं ना, ठीक है, जैसे विजिट के लिए आप इंडिया से नेपाल की तरफ जा रहे हो, कोई पासपोर्ट आपको नहीं चाहिए तो आप इसी बॉर्डर से जाते हो, ठीक है। आंसर है इस क्वेश्चन का नेपाल, ये पता होना चाहिए, बेसिक है, ठीक है। नेपाल अगर आप घूमने भी जा रहे हो, विल गो फ्रॉम दिस, ठीक है ना, तो कोई ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन है नहीं, बट आपकी नॉलेज से बाहर है, ठीक है ना, ये आपकी नॉलेज से बाहर था जहां तक मुझे लग, ठीक है। चलिए चलिए, तो आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ट्रिटी ऑफ सुगाली बिटवीन इंडिया एंड नेपाल फॉर द काली नदी, और काली नदी आपको पता ही है, उसका बड़ा प्यारा सा मैप देखने को मिलता है, इमेज देखने को मिलती है इंडिया में, है ना। चलो अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, हक्की पक्की सिद्धि फ्रॉम कर्नाटका, और ये क्या है बताइए आंसर क्या इस क्वेश्चन का, ये कर्नाटका में है, हक्की पिक्की सिद्धि, पेपर देख के दिमाग नहीं खराब हो जाएगा सीएचएसएल का कि भैया ऐसे क्वेश्चन, ये क्या है भाई, हमें क्या पता कर्नाटका में क्या है, डांस है, थिएटर है, लैंग्वेज है, म्यूजिक है, क्या है, जल्दी से दे, हक्की पिक्की और सिद्धि। चलिए तो आंसर के इस क्वेश्चन का ध्यान रखना, हक्की पिक्की सिद्धि जो है, ठीक है, ये तीनों के तीनों लैंग्वेज के टाइप है, ठीक है, लैंग्वेज के टाइप। बेटा ध्यान रखना एक चीज और भी है, आप अगर ऐसी स्पेशल क्लासेस नहीं पढ़ोगे तो आप पेपर हॉल में टीचर को ही याद कर रहे होंगे कि टीचर ने तो कुछ पढ़ाया ही नहीं, अगर पढ़ोगे नहीं, लिटरली बता रहा हूं, जैसे मैं ये वाली क्लास करा रहा हूँ, मैं साफ बता देता हूँ कि ये वाला क्वेश्चन जैसा क्वेश्चन अगर आप ये नहीं कर पा रहे तो शाम को 7 बजे मंडे को ही कराऊंगा मैं ऐसे क्वेश्चन, पहले ही बता रहा हूँ, वन लाइनर क्वेश्चन होंगे, अलग अलग क्वेश्चन, अलग अलग टाइप के नए नए क्वेश्चन कराऊंगा, आप नहीं करके जाओगे तो पेपर हॉल में मुझे ही याद करो, ठीक है, मेरे को याद करने के साथ प्रीफिक्स और सिफिक्स भी लगाओगे, वो सही चीज नहीं होगी, इससे बढ़िया है कि आप जो है पहले ही पढ़ लेना मुझसे जो चीजें काम की, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखिए, लैंग्वेज इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है, चलिए इसी क्वेश्चन का आंसर आगे पढ़ेंगे। एक और क्वेश्चन देखिएगा, युगीय करंट अफेयर रहा है, ठीक है, बट फिर भी ये स्टैटिक है, क्यों, क्योंकि ये अभी तक ऐसे ही चल रहा है, इसमें कोई ज्यादा बदलाव नहीं, ठीक है। भारत में किस राज्य में सबसे ज्यादा डोमेस्टिक टूरिज्म रहा है, ठीक है, मतलब डोमेस्टिक टूरिस्ट मतलब
कहने का मतलब कि बाहर के फॉरेनर की बात कर रहा, इंडिया के ही लोग किस राज्य में सबसे ज्यादा इस राज्य में घूमने आते हैं। ठीक है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन, 2019 में भी ऐसा लग रहा है कि क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। ठीक है, अबे नलायकों, तुम्हारे अंदर ना क्वेश्चन करते समय ना कॉमन सेंस की कतई कमी है भाई। गोवा मैं नहीं जा पा रहा पैसों के चक्कर में, कि यार मैं दिल्ली, मैं जम्मू में रह रहा हूँ, गोवा जाऊंगा पता नहीं कितने हजार तो मैं टिकट में बाई एयर की खर्च लूंगा, तो इसका मतलब मैं नहीं जाऊंगा, जबकि मैं 15,000 महीने का कमाता हूँ, जबकि मैं 15,000 महीने का कमाता हूँ। ठीक है, समझ रहे हो? है, अब तुम सोच लो कि ऐसी जगह पे ही डोमेस्टिक टूरिज्म ज्यादा होना चाहिए ना, जहां पे बिल्कुल पास हो, गाड़ी वाड़ी लेके बंदा निकल जाए। ठीक है ना, तो वो कहाँ पे है? वो यूपी में है। यूपी में क्या है कि यूपी में मेरठ, मथुरा, वृंदावन सारे जाते हैं, एक बार ही तो सारे जाते हैं यूपी की तरफ, गंगा, हरिद्वार तो सारे जाते हैं उत्तराखंड की तरफ, है ना, उस तरफ तो सारे जाते हैं। मतलब कोई कभी भी जीवन में कहीं ना गया हो तो लास्ट में वो वहीं जाता है। पॉइंट समझ रहे हो? डोमेस्टिक टूरिज्म तो है, तो यूपी आंसर है। ठीक है ना, एक और क्वेश्चन देखिएगा। डैश इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट रिसीव अ वीक सिग्नल एंड रीजनरेट। वीक सिग्नल मिलता है, ये रीजनरेट करके दे देता है। गोवा लगा रहे हो, तमिलनाडु लगा। ठीक है, आंसर क्या है इस क्वेश्चन का? ठीक है, चलिए बताइए आंसर क्या है इस क्वेश्चन का। क्या देखो, वीक सिग्नल मिला, उसने उसे रीजनरेट किया। रीजनरेट करने का मतलब मैं ये समझता हूँ कि किसी भी चीज को रीजनरेट करने का मतलब होता है उसे रिपीट करना। तो क्या रिपीटर होगा? होगा क्या कि जैसे आप इसमें ज्यादा दिमाग लगाने वाले तो स्विच लगा रहे हैं। स्विच का मतलब क्या होता है? स्विच का मतलब क्या होता है? ऑन ऑफ होता है, उसे रीजनरेट का कुछ लेना देना। ठीक है, पहली बात तो ये, एटलीस्ट नाम तो सही लगाओ ना। रिपीट, रिपीटर लगना ही था। आपने अगर ये क्वेश्चन नहीं पढ़ा, आपको पेपर हॉल में सही करना है, तो आप स्विच तो कभी नहीं लगा सकते अगर आप सही दिमाग चला रहे हो। रिपीटर तो एटलीस्ट लगा लोगे। ठीक है ना, फंस रहे हो क्वेश्चन में? बहुत ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन लग रहे हैं आपको मेरे ख्याल से। कोई दिक्कत नहीं है, 7 बजे इन सब का इलाज नहीं मिलेगा। ये क्वेश्चन छोड़ दो, करना है तो कर लो। देखो, क्योंकि ये 2021 का पेपर है, तो उसके करंट अफेयर आए थे पेपर में। स्टार कॉलेज मेंटरशिप प्रोग्राम साइंस एंड टेक मिनिस्ट्री के द्वारा लाया गया था, तो वो आप अभी करंट अफेयर तो इसमें रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते हम इसे, है ना। थोड़ा सा ये करंट अफेयर बीच का छोटा पड़ेगा। चलिए ये क्वेश्चन बताइए। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट है अब ये क्वेश्चन, ऐसे स्टैटिक जीके का। ये मत सोचना कि मैं कोई क्वेश्चन छोड़वा रहा हूँ तो वो आप जल्दीबाजी, कोई जल्दीबाजी नहीं है, बड़े क्वेश्चन है मेरे पास। मेरे पास 10,000 क्वेश्चन है ऐसे। ठीक है, मैं बस शुरुआत करा रहा हूँ आज, मैराथन करा के। इवन क्या पता, जैसे मैं आपको आज रात को, आज सुबह 8 बजे करा रहा हूँ, क्या पता नहीं 100% मैं कल रात को 8 बजे भी ऐसे ही क्वेश्चन कराऊंगा। फिर हमारे मैराथन में 150, 200, 300, 400 जो भी होंगे, उसके बाद जो बाकी बचे हुए सारे क्वेश्चन फिर मैं वो आपको मंडे को शाम को 7 बजे से कराऊंगा, तो एक सिस्टम सेट हो जाएगा। जैसे यह बंधन फाइनेंशियल सर्विस एक माइक्रो लेंडर है, कम पैसा लोन पे देता है, बट देता है। इसके हेडक्वार्टर कहाँ पे, ये पूछ रहा है। यह भी यूनिवर्सल बैंकिंग सिस्टम में आ गया है, और जो बंधन सर्विसेज है ये इम्पोर्टेंट है, 2014 में आया था। ठीक है, 2014 में आरबीआई ने इसे जो है माइक्रो फाइनेंशियल सर्विसेज को, बंधन फाइनेंशियल सर्विसेज को, ठीक है ना, पास कर दिया। बंधन बैंक बड़ा फेमस है, इट्स वेरी इंपोर्टेंट। ये आपको शायद ना बताओ, अगर आपकी नॉलेज में नहीं होगा ना, तभी मैं आपको बता दूं कैसे सोल्व होता है क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आता है कि भैया बंधन बैंक के हेडक्वार्टर कहाँ पे, हम कहते हैं रक्षाबंधन, हम कहते हैं रक्षाबंधन। और दीदी तो एक ही मशहूर है, ठीक है, ममता बनर्जी। ठीक है, कोलकाता में ही तो है ना, बस दीदी और रक्षाबंधन जुड़ता है। तो बंधन का जब भी क्वेश्चन आएगा, कोलकाता लगा दो आंसर, चेप दो आंसर। ठीक है ना, ममता दीदी। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए, बताइएगा। लॉफ्टी गेट इरेक्ट इन द कोर्टयार्ड ऑफ द टेम्पल इन द साउथ इंडिया वर कोल्ड एज विच ऑफ द फॉलोइंग। कोई कहेगा सर बड़ा मुश्किल है, मैं कहूंगा मैंने पढ़ा रखा है, मैं कहूंगा मैंने पढ़ा रखा है, मैंने आपको रात को 9 बजे पढ़ा रखा है, मैंने आपको ये चीज बता रखी है कि साउथ इंडिया के टेम्पल्स का जो गेट होता है, ठीक है,
अब ये लोफ्टी वर्ड यूज करे, कुछ वर्ड यूज करे, आपको मैंने पढ़ा रखा है कि साउथ इंडिया के गेट कैसे होते हैं, साउथ इंडिया के मंदिरों के गेट कैसे होते हैं, उन्हें हम कहते हैं गोपुरा, बहुत बड़े होते हैं। ठीक है, तो आंसर है इस क्वेश्चन का गोपुरा। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाना चाहिए क्वेश्चन सोल्व, ठीक है, होना चाहिए कि नहीं, होना चाहिए 100% होना चाहिए। ठीक है चलो, सीएचएसएल निकालने के लिए थोड़ी मेहनत करना आप, है ना, हम तो हैं तैयार। मैंने एक बैच भी लॉन्च किया है, फतेह बैच, ठीक है, आप आज ज्वाइन कर सकते हो उसे, ठीक है, 9 तारीख से क्लास होगी, आप बंदे कोड यूज करके उसे भी ज्वाइन कर सकते हो। चलिए अगर क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल अभी है ना, आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, जल्दी से बताइएगा। छत्तीसगढ़ डज नॉट शेयर इट्स बॉर्डर विद दिस स्टेट। देखो अब मैं छत्तीसगढ़ की बात करूं, इमेजिनेशन वाली बात है, सिर्फ इमेजिनेशन वाली बात है कि भैया छत्तीसगढ़ तो इससे तो दूर ही होगा, ठीक है ना, चांसेस तो है नंबर पे ना, ठीक है, डिग्री वाइज भी चांसेस है, ठीक है। अब जैसे अगर मैं कहूँ कि भाई छत्तीसगढ़ इससे तो दूरी होगा, अगर छत्तीसगढ़ बीच में कहीं पड़ रहा है, वेस्ट बंगाल इधर कहीं पड़ रहा है, तो डेफिनेटली वेस्ट बंगाल के साथ बॉर्डर नहीं शेयर करेगा। छत्तीसगढ़ बीच में पड़ रहा है तो मध्य प्रदेश भी बीच में, यूपी भी बीच में कहीं पड़ रहा है, तेलंगाना भी बीच में आता है, ठीक है, लेकिन वेस्ट बंगाल बिल्कुल अलग सा चला गया। चलो एक और क्वेश्चन देखिएगा, हाँ जी, ब्लॉकचेन डिस्ट्रिक्ट इंडिया का सबसे पहला कौन सी स्टेट ने बनाई, ये करंट अफेयर भी था और ये स्टैटिक भी है, क्योंकि ये जो है ब्लॉकचेन डिस्ट्रिक्ट जो है ये मतलब ये समझ लो कि 2019 का करंट अफेयर, नहीं 19 नहीं, अभी जेके पीएसआई का पेपर कब हुआ था, अभी जब भी जेके पीएसआई का पेपर हुआ था उसमें पेपर में ये क्वेश्चन डायरेक्ट था, सीएचएसएल में तो आया था, जेके पीएसआई का पेपर भी हुआ था उसमें भी आया था ब्लॉकचेन डिस्ट्रिक्ट का क्वेश्चन, ठीक है। चलो तो आंसर के इस क्वेश्चन का तेलंगाना, इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है, ब्लॉकचेन डिस्ट्रिक्ट जो है पहला पूरे भारत में तेलंगाना में प्रपोज किया गया था, हालांकि इतना सक्सेसफुल नहीं था, ठीक है। चलिए बेटा, जिस जिसको ये पीडीएफ चाहिए, किस किस को चाहिए ये वाले टाइप के पीडीएफ, जिस जिसको चाहिए वो क्या करना है, टेलीग्राम अमन सर टेस्ट बुक सर्च कर लेना, सभी के सभी टेलीग्राम अमन सर टेस्ट बुक, हर कोई सर्च करके ज्वाइन कर लेना, काम कर पीडीएफ, अच्छा पीडीएफ है, मतलब क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, 10,000 क्वेश्चन है, मैं स्टार्टिंग जितने जितने कराते जाऊंगा उतने उतने देता जाऊंगा, ठीक है। नहीं चाहिए युवराज, तुम अगर ले भी रहे हो ना, डाउनलोड भी कर रहे हो, सीधा टेलीग्राम में डालूंगा कि युवराज नाम का जो भी बच्चा है उसको वो डाउनलोड ही ना कर पाए, ठीक है ना। चलिए एक और क्वेश्चन देखिएगा, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, देखिए आप सभी जानते हैं कि बैंक अपने बैंकिंग एजेंट्स बनाता है, ठीक है, वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप मेंबर जो है ना वो एज अ बैंकिंग एजेंट अपॉइंट किए जाते हैं और उनको एक स्पेशल नाम दिया जाता है, ठीक है ना, कि मतलब महिलाओं को वो जो है सपोर्ट कर सके, फाइनेंशियल नॉलेज दे सके, ठीक है, तो वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप मेंबर जो होती है ना उन्हीं को बैंकिंग एजेंट बनाया था, और लेकिन उनको स्पेशली एक नाम दिया जाता है, ठीक है, स्पेशली एक नाम दिया जाता है, ठीक है ना, मेरी प्यारी सखी, सखी मतलब, ठीक है, आपको पता ही है, ठीक है, सहेली, सखी सहेली, तो बैंक सखी इस क्वेश्चन का आंसर है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना, सखी और सखा, ठीक है, ये ध्यान रखना, आप इधर सखी की बात हो रही है तो सखी का याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, मेरी प्यारी सखी पे। लार्जेस्ट रिवर आइलैंड इन द वर्ल्ड, एक ही रिवर आइलैंड है वर्ल्ड का जो सबसे फेमस है, सबसे लार्जेस्ट है, उम्मीद है सबको पता, उम्मीद है जानते हो उन्हें ना, चलो तो भैया ये तो मजूली है, मजूली कौन सी नदी पे बना हुआ बताइए, ठीक है, मजूली, देखो ये सब क्वेश्चन की भाई कौन सा खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है, ये सब क्वेश्चन बहुत मिलते हैं, ब्रह्मपुत्रा, ठीक है, नदी पे, ठीक है, मजूली डिस्ट्रिक्ट से संबंधित क्वेश्चन है, आप बताइए क्वेश्चन, स्पोर्ट्स विद विच फॉलोइंग स्पोर्ट इज करुण, ठीक है, चंदोक एसोसिएटेड, खिलाड़ी है करुण चंदोक, अब देख लो यार, कोई कहेगा सर हमने तो सुना नहीं, हमें तो विराट कोहली पता था, हमसे पूछते तो हम बता भी देते, विराट कोहली पूछेंगे नहीं ना, पेपर में आ नहीं रहा, पेपर को इतना हल्के में लेना, ठीक है, बर्बादी हो सकती है, क्योंकि भैया जीके थोड़ी सी अलग होगी है,
और सच में जो लास्ट सीएचएसएल हुआ था ना, हमने वो सीएचएसएल टेस्ट बुक पे उसका एनालिसिस कराया था, क्लास चल रही थी उस समय, पेपर की तैयारी भी कराई थी। जीके ठीक ठाक था, लेकिन कुछ शिफ्ट में तो इतना खतरनाक आया था, कुछ कहने की हद नहीं, कुछ शिफ्ट में बहुत बेकार आया था जीके। ठीक है, सेम ऐसा ही सीपीओ के साथ होगा, 50 क्वेश्चन आएंगे, बहुत ढेर क्वेश्चन आएंगे, 50 क्वेश्चन बहुत होते हैं जीके। ठीक है, करते समय बच्चा घबराता रहता है कि भैया इतने क्वेश्चन कैसे जीके के होंगे, पर ध्यान रखना है ऐसे क्वेश्चन आएंगे। रेलवे में भी सेम ऐसे बनना, नहीं आता तुक्के मार रहे सारे के सारे जितने भी हैं, टेबल टेनिस लगा रहे, कोई रेसिंग लगा रहे, कोई आंसर इस क्वेश्चन का कार रेसिंग। ठीक है ना, तो आंसर इस क्वेश्चन का कार रेसिंग। पता है यूनिसेफ की स्थापना, देखो मैं कल परसों परसों मैंने एक चैप्टर लगाया, मैंने कहा कि भैया ईयर याद कर लेना, किसी ने याद नहीं किए, रिपोर्ट इंडेक्स याद करके भगे सारे के सारे। इवन कल भी मैंने नेशनल ऑर्गेनाइजेशन की क्लास लगाई थी, तब भी मैं कह रहा था कि भाई ये चैप्टर इंपोर्टेंट नहीं किया। पेपर में इजेक्ट क्वेश्चन है, यूनिसेफ की स्थापना कौन से वर्ष में हुई। ठीक है, यूनिसेफ की स्थापना कौन से वर्ष में हुई। अब सारे के सारे जितने भी होशियार चंद है, ठीक है ना, श्री श्री 108 होशियार चंद जितने भी हमारी क्लास में, ठीक है, वो सारे क्या करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर लाए 1945। क्योंकि लमसम आइडिया ये सोचते हैं कि भैया यूनाइटेड नेशन है, यूनाइटेड नेशन के साथ सब तय हो गया होगा। भाई सबके फाउंडेशन के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, आईएलओ के क्वेश्चन आ सकता है, वर्ल्ड बैंक का आ सकता है, आईएमएफ का आ सकता है, इस क्वेश्चन का आंसर 1945 कतई नहीं है। ठीक है, 1946 इस क्वेश्चन का आंसर गलत हुआ कि नहीं। ठीक है, ठीक है, पहली बात तो बेटा पेरिस फ्रांस में नहीं है, ठीक है, यूनिसेफ न्यूयॉर्क में है, तुम तो ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर भी पढ़ो, है ना, ईयर के साथ साथ। चलिए आंसर क्या इस क्वेश्चन का, कमी पड़ रही है जीके की थोड़ी सी, पता है ये कमी का ना एक ही इलाज है, वो है वैसे रात को 9 बजे और उसके मंडे से शाम को 7 बजे। और ना मैं आपको, लेकिन ये मैराथन के थ्रू आपको बता रहा हूं कि कमी है जीके में अभी, बहुत कमी है, आप उस कमी को जल्दी से जल्दी ठीक कर लो, नहीं तो पेपर में नंबरों की कमी पड़ जाएगी, फिर सिलेक्शन की कमी पड़ जाएगी, ध्यान रखना। AIX एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, कौन सी कंपनी का, आप देख लो। जैसे अगर मैं कहूं कि भाई एप्पल का अलग ऑपरेटिंग सिस्टम है, भी ये बोल लो, ठीक है ना, जो माइक्रोसॉफ्ट है उसका अलग ऑपरेटिंग सिस्टम है, भी ऑन लो, दो हमें ऑपरेटिंग सिस्टम पता है। ठीक है, तो यार एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट का तो इनमें से कोई सा नहीं, माइक्रोसॉफ्ट AIX कहाँ से, माइक्रोसॉफ्ट का भाई, माइक्रोसॉफ्ट में कौन सा तुम AIX लगा रहे, कौन सा सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम है माइक्रोसॉफ्ट में, मेरे को तो नहीं समझ आया आज तक, मैं तो विंडो ही चला रहा था अभी तक, नया आया है क्या माइक्रोसॉफ्ट में AIX। आंसर है इस क्वेश्चन का IBM। IBM पुराना था, IBM का बड़ा नाम था किसी समय में, ठीक है ना, लेकिन हमने धीरे धीरे सिर्फ और सिर्फ एक ही यूज किया। ठीक है, हम गरीबों ने जो 15-20 हजार रुपये महीना कमाते हैं वो माइक्रोसॉफ्ट से लगे हुए हैं, जो रिच पीपल हैं वो एप्पल से लगे हुए हैं, है ना। चलिए एक और क्वेश्चन, लेकिन लेकिन लगे हुए हैं बेचारे, IBM को कोई यूज नहीं कर रहा, IBM का लेकिन क्या है कि बहुत सीक्रेटिव होता है इसका, IBM का। चलिए एक और क्वेश्चन देखिएगा, कितना प्यारा क्वेश्चन, पढ़ना पड़ेगा प्यार से, देखिए क्या लिखा हुआ, पहले पढ़ लेते हैं बोले। मिड लैटिट्यूड डेजर्ट, ठीक है जी, ये 35 से कितने डिग्री नॉर्थ साउथ पे मिलते हैं, क्वेश्चन खत्म हो गया। मिड लैटिट्यूड डेजर्ट जो है 35 से कितने डिग्री में मिलेंगे बताओ, है ना, ये सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा है, ये रहा सर्कल, ये रहा इक्वेटर, ये रहा 35, बताओ ऊपर कितने डिग्री लैटिट्यूड तक जो है मिड लैटिट्यूड डेजर्ट मिलेंगे। ठीक है, आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, ठीक है, तो आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, ध्यान रखना। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर है कि भैया 35 से 60 के बीच, 35 से 60 के बीच। अच्छा क्वेश्चन, पता है ये क्या है, कॉम्पेगन क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन है। ठीक है, ये BW के मैंने किसी जमाने में, भले जमाने में कहा था कॉम्पेगन क्लासिफिकेशन का इमेज देखना, और भले जमाने में किसी ने अपना भला नहीं किया, देखा ही नहीं किसी ने, है ना, और जिसने नहीं देखा फिर क्या इलाज किया था। 35 से 60 इस क्वेश्चन का आंसर है। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए श्री, ठीक है,
सन्मुख आनंद नेशनल एमिनेंस अवार्ड सेटअप किया गया कब? गया है ये कौन सा अवार्ड है? पेपर में आया हुआ अवार्ड। हार्ड वन, मैं तुम्हारी सिर्फ आंखें खोलना चाहता हूं सुबह सुबह 8 बजे, ठीक है? सिर्फ और सिर्फ आंखें कि भैया ये होता है और कुछ भी नहीं। मैं बीच बीच में खोलता रहता हूँ, बताता रहता हूँ कि अभी तुम इतने ज्ञानी नहीं हो कि तुम क्लास की 9 बजे वाली क्लास छोड़ो, या नई क्लास जो स्पेशल लगाई जा रही है कंटेंट कवर करने के लिए वो ना लो, ठीक है? 2002 है और तुक्का बहुत अच्छे से मारते हो यार, 2002 सारे लगा रहे हो यार, बड़े नॉलेजेबल बच्चे हो, कहाँ से पढ़े हो, ठीक है? कैसे मतलब 2002 सारे लगा दे रहे हो? या तो ऐसा है कि चेन बनी है, बंदी चेन वाली, कि एक ने पकड़ा है तो दूसरा उसके साथ लगा हुआ है, 2002 2002 2002 सभी 2002 ऐसा लग रहा है मेरे को, है ना? चलिए एक और क्वेश्चन देखेंगे, कमेंट करिए बताइएगा, जैसे ये नहीं करेंगे क्योंकि ऑब्वियसली हमारा 2021 का करंट अफेयर है, ये हमें छोड़ना पड़ेगा। पाथवे टू गॉड जो है, ठीक है, बिल्कुल ये रास्ता भगवान की तरफ जाता है, ठीक है? बताइए किसकी ये किताब है, बड़ी फेमस किताब। ठीक है, अब जैसे अगर मैं कहूं कि पाथवे टू गॉड, हमने ज्यादातर गांधी जी का क्या सुना है, ठीक है? एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ, ठीक है ना, यही सुना है, बस इतना ही सुन के बैठे, लेकिन गांधी जी ने बड़ा कुछ लिखा था, ठीक है ना? आंसर इस क्वेश्चन का महात्मा गांधी जी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो देवाले टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं, गांधी जी का एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ ना पूछा जाएगा क्योंकि वो बड़ा बेसिक होगा, ठीक है ना? चलिए आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, ये इंपॉर्टेंट है, मतलब जवाहरलाल नेहरू जी, गांधी जी, इन सब के द्वारा अगर कुछ लिखा जाता है तो आप इनको पढ़ लिया करो, मतलब लिखा गया हो तो पढ़ लो एक बार की भी ये चीज लिखेगी। बुक्स एंड ऑथर की क्लास वैसे मैं रात को 9 बजे कराऊंगा, मंडे टू फ्राइडे में, नेक्स्ट जो वीक आएगा तो 9 बजे ऑल इन वन में सब कुछ होता है, ठीक है ना? चलिए चलिए एक और क्वेश्चन देखिए, जैसे ये कह रहा है कि भैया कौन सा क्रॉप है जिसका जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप जो है अप्रूव किया गया कमर्शियल कल्टीवेशन के लिए, मतलब ये कोर्ट ने इसकी इजाजत दी है। वी ऑल नो जेनेटिकली मॉडिफाइड पे ये बड़ा मसला रहा था, कोर्ट केस हुआ था इस पे, ठीक है? फिर कोर्ट ने इजाजत दी थी, ठीक है ना? तो ये इजाजत मिलने के बाद अब ये कल्टीवेशन खूब दबादब हो रहा है। आंसर है इस क्वेश्चन का बीटी कोटा। आप में से कौन सा बच्चा कल रात को 9 बजे मेरी क्लास में था, ठीक है? हाँ बिल्कुल, ब्रिंजल बैन हो गया, ठीक है? अब मेरे को एक बार यस लिखना, जो बच्चा कल रात को 9 बजे मेरी क्लास में था, कारण है इसका, ये पूछ लेगा कि भैया 9 बजे आप मेरी क्लास में थे कि नहीं, क्या कारण है? अब ये आप देखोगे अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है, मैं आया था बट नेट नहीं चलता रात को, ओके। इसी बात पे इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, रेल कोच फैक्ट्री कहाँ पे है? शायद कहीं ने कहीं कल सुना होगा। आर डियर, अभी जैसे सुबह 8 बजे ही होती है ना कनिष्का क्लास सीपीओ की, तो आज हम मैराथन करेंगे, ये भी बहुत हेल्पफुल रहेगा आपके सीपीओ के एग्जाम के लिए, 100% हेल्पफुल रहेगा आपके सीपीओ के एग्जाम के लिए, ठीक है? मंडे को होगी आपकी रेगुलर क्लास, 8 बजे होती है, 100% इसी टाइम पे। ये कल रात को मैंने क्वेश्चन कराया था, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, सीएचएसएल में देख लो, कल कराया हुआ, कपूरथला, ठीक है? रेल कोच फैक्ट्री, व्हील फैक्ट्री का भी कहा था कि भैया ये भी होगा, कपूरथला कहाँ है? पंजाब। एक और क्वेश्चन देखो कर दो, ये हमेशा से खानदानी है इनका, ये क्लीनेस्ट सिटी का, तो ये करंट अफेयर स्ट्रेटेजी बन चुका है क्योंकि ये तो हमेशा ही इनको क्लीनेस्ट सिटी का दर्जा मिला है, स्वच्छ भारत अभियान, ठीक है? कि एक कदम इन्होंने बड़े कदम बढ़ा दिए, इतने बार बढ़ा दिए कि हर बार इंदौर साफ सफाई के मामले में आ गया था, ठीक है? ये तो ऐसा था कि भी छठी बार ये जीते थे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था कि भी छठी बार भी ये क्लीनेस्ट सिटी आए थे, ठीक है ना? इंदौर वाले गए, आप में से है कोई इंदौर का? मतलब मेरे को नहीं पता था एमपी इंदौर में इतनी सफाई है, मतलब क्वेश्चन के थ्रू तो पता है, ऐसे नहीं पता कि भाई इतना एमपी साफ है।
सबसे बुरे हाल है दिल्ली के। चलिए एक और क्वेश्चन देखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर इंदौर है। केरला गॉड्स ओन कंट्री, ये किताब है, वैसे सही बात है, केरला को गॉड्स ओन कंट्री भी कहा जाता है, ठीक है। निकनेम का भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। जिसने भी फॉलो नहीं किया वो फॉलो कर लेना मेरा टेलीग्राम अमन सर टेस्ट बुक, मुझसे कनेक्टेड रहोगे तो ज्यादा बेटर आएगा। जैसे वाला क्वेश्चन है केरला गॉड्स ओन कंट्री, इसका जो ये वाला क्वेश्चन भी आ सकता है फेमस सिटी का, कि गॉड्स ओन कंट्री किसे कहते हैं, केरला को ही कहते हैं, ठीक है ना। और शशि थरूर ने लिखा है, ठीक है ना, शशि थरूर ने, ठीक है। चलिए आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का आंसर है शशि थरूर, इस क्वेश्चन का आंसर है क्या है, शशि थरूर, इंपोर्टेंट है, ठीक है। सुधा मूर्ति, शशि थरूर, ये सब बड़े फेमस, ठीक है ना, राइटर, ठीक है। देखो कोई कहेगा सर ये करंट अफेयर है तो क्या पता ये ना आए, मैं कहूंगा ये करंट अफेयर नहीं है, इसका एक कंटेस्ट है। कभी ना हमारे जैसे हमारे यूनाइटेड नेशन ना पीस कीपिंग फोर्स भेजता है, ठीक है, ठीक है। अब क्या है कि हमारे जो यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्स है ना, उसमें हमारी आर्मी भी जाती, आर्मी जाती है, नर्सिंग भी जाती है, कभी कभी सब कुछ जाता है, इवन पुलिसिंग भी होती है, मेडिकल भी होता है, बट महिलाओं का कोई रोल नहीं था। 2020 में इंडिया ने को स्पॉन्सर किया एक सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन जिसमें फुल इफेक्टिव मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन होगा वुमेन पर्सनल्स का पीस कीपिंग ऑपरेशन, ये एज ऑन 2020 अनाउंस हुआ है, तो उसके बाद से अब महिलाओं का योगदान भी बढ़ चुका है, ठीक है, पीस कीपिंग ऑपरेशन में, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है, अच्छा क्वेश्चन है, कौन सा, ठीक है ना। चलिए तो एक और क्वेश्चन देखिएगा, है ना, चलिए आंसर क्या इस क्वेश्चन का, ये करंट अफेयर है, छोड़ना पड़ेगा, ठीक है, करंट अफेयर है तो नहीं कर सकते, वो बताइए। अब ये सरोवर नदी के किनारे कौन सा शहर है, बड़ा इजी क्वेश्चन बेटा, पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, मतलब वो ना वो दम नहीं आ रहा, जो ऐसे क्वेश्चन देख के आना चाहिए कि भैया हाँ यार इतने क्वेश्चन सर करा रहे हैं, सारे काम के हैं ए टू जेड। मैं कभी फालतू की क्लास नहीं कराता, तुम्हें पता है, चाहे पूरे दिन में खाली बैठे रहेंगे लेकिन काम फालतू की क्लास नहीं कराएंगे, डेली सुबह 8 बजे कराते ना 8 बजे कराएंगे, ठीक है, समझ रहे हो, तो रेगुलरिटी रखा करो। आंसर इस क्वेश्चन का अयोध्या, अयोध्या वैसे अभी राम मंदिर बना है तो इस वजह से पॉसिबिलिटी इसकी है कि इस पे दोबारा क्वेश्चन, ठीक है, राम मंदिर बनने की वजह से, ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन भी आपको मिल सकता है, ठीक है, आ सकता है। चलो एक और क्वेश्चन देखिए, आर्टिकल फंडामेंटल राइट का क्वेश्चन है, तो है ना, फंडामेंटल राइट का फोर्स लेबर एक्सप्लोइटेशन को प्रिवेंट करने के लिए कौन सा आर्टिकल है? देखो एक तो है कि भैया जो आर्टिकल 22, ठीक है, और एक फोर्स लेबर है एक्सप्लोइटेशन का, तो दोनों पे क्वेश्चन आपको मिलता है। ये आंसर क्या है, 23, आर्टिकल 23 लिखा ऑप्शन में, वही है आर्टिकल 23 ही बसता है, ठीक है, फंडामेंटल राइट में दो है, ठीक है, तो आर्टिकल 23 है इसमें ऑब्वियसली, है ना, 23 और 24 का क्वेश्चन बहुत बनता है, ठीक है, 23 और 24 का जो है क्वेश्चन बहुत बनता है। एक और क्वेश्चन देखिएगा, ठीक है, और इवन 24 में स्पेशली आता है चाइल्ड लेबर के ऊपर भी क्वेश्चन मिलता है, स्पेशली 24 के ऊपर चाइल्ड लेबर मिलता है, फोर्स लेबर प्रिवेंटिव एक्सप्लोइटेशन तो है, प्रिवेंट एक्सप्लोइटेशन तो ये 23 में आ ही गया, 24 में आपको चाइल्ड लेबर का स्पेशली मिलेगा, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन देखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर, महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में ऑर्गेनाइज किया। देखो जब महात्मा गांधी जी 1917 में भारत में चंपारण कर रहे थे, उनको बैक टू बैक कुछ करना था, तो उन्होंने 1917 में चंपारण किया, तो उसके बाद 1918 में उन्होंने खेड़ा सत्याग्रह किया, ठीक है, पीजेंट्स के सपोर्ट के लिए 1918 में खेड़ा सत्याग्रह किया, ये इंपोर्टेंट है, 17 में चंपारण हुआ और 18 में खेड़ा सत्याग्रह, ठीक है ना, आर्टिकल में कंफ्यूजन होनी नहीं चाहिए, क्लास करो ना एक आर्टिकल की कोई मेरी, ठीक है, सारी क्लासेस रात को 9 बजे वाली, हर क्लास आपके लिए अवेलेबल है, आर्टिकल वाली क्लास देख लो एक बार, ठीक है। तो आंसर है इस क्वेश्चन का, जैसे ये है 1918 होना चाहिए आंसर, है ना। तो एक और क्वेश्चन देखते, ठीक है,
आप में से कौन कौन डेली सुबह 8 बजे पढ़ता है? इसी टाइमिंग पे डेली पढ़ रहा था अभी तक, मतलब मैं रोज कराता हूँ क्लास, तो आप में से कौन डेली पढ़ता है? जो जागने की हिम्मत करता था वो बताओ। हिम्मत क्या करनी यार, मैं खुद, मैं लिटरली बताऊं, मैं ऐसा व्यक्ति था, मेरी 9 बजे क्लास होती थी, मैं 9 बजने में 8:45 पे उठता था, सर्दियों में 5-10 मिनट में क्लास में अवेलेबल होता था, मतलब भगता भगाता जैसे तैसे, कभी कभी स्टूडियो से ही। लेकिन जब से गर्मियां स्टार्ट हुई हैं, लिटरली भाई 6 बजे नींद खुल जाती है और तुम 8 बजे नहीं आ पा रहे। मतलब नेचुरल है ना, नेचुरली हो पा रहा है ये चीज, जो चीज नेचुरली हो पाती है उसमें मजा आता है, ठीक है, वो सही रहता है, वो सही चीज होती है, हमारे लिए फायदेमंद होती है। तो नेचुरली 6 बजे नींद खुली ही जाती है गर्मियों में, तो फिर 8 बजे क्यों नहीं आ पा रहे? सर्दियों का तो मैं समझता हूँ, मैं खुद नहीं आता था। कीप करेंगे अभी, है ना। एक और क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, कमेंट करिए बताइए। अब ये क्वेश्चन नहीं कर रहा है एक्चुअली में, ये आप देखो अभी के कंटेस्ट में हम कुछ नहीं कर सकते इसका, अभी इसको हम छोड़ेंगे, क्योंकि उस समय 2019 में ये अपॉइंट किए गए थे, तो इसको हमें अभी होल्ड पे रखना चाहिए। वैसे तो करमबीर सिंह ही है, ठीक है, लेकिन फिर भी होल्ड पे रखना चाहिए, ठीक है। कोई रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर बना, छोड़ो यार, हमें करंट अफेयर थोड़ी पढ़ने पुराने। फर्स्ट सर्च इंजन आर्ची, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो आज के समय में तो सर्च इंजन बहुत है, ठीक है, गूगल एंड ऑल जितने भी सर्च इंजन है, वी ऑल नो, बट जो दुनिया का सबसे पहला सर्च इंजन था आर्ची नाम का था, ठीक है। सवाल बस उसी चीज पे पूछा गया कि जो ये दुनिया का सबसे पहला सर्च इंजन आरसी था, ठीक है, ये किसने खोजा था? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इट्स डैम इंपोर्टेंट, ठीक है। आंसर क्या है इस क्वेश्चन, कमेंट करो बताओ आंसर क्या है, बड़ा इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट। वही बात है, तुक्केबाजी, तुक्केबाजी कहाँ गई थी? 9:04 पे लगा रही थी तुक्के, है ना, लगे हुए लगाने में, क्योंकि पता तो तुम्हें है नहीं, दबा के बी लगा रहे हो सारे के सारे, एक ने बी लगाया तो सबको ग्रे ही फील हो रहा है, सभी मैथ्यू ग्रे, सभी मैथ्यू ग्रे, सभी मैथ्यू ग्रे, ठीक है ना। पेपर में ऐसा नहीं होगा भाई, ठीक है, क्वेश्चन तुम्हारे गलत हो रहे हैं बहुत ज्यादा। आंसर है एलन एमटीगे, इस क्वेश्चन है वो सिंपल सी बात है, ये स्ट्रेटेजी जी का क्वेश्चन है, ठीक है। जो भी फर्स्ट वाला क्वेश्चन होगा उसमें फर्स्ट वाला ये है, फर्स्ट सर्च इंजन वाला क्वेश्चन हमने पढ़ा नहीं है, पेपर में होगा नहीं है ऐसे। तो क्या इलाज है? एक ही इलाज है, शाम को 7 बजे मंडे से शार्प डेली बेसिस पे करना, ये सारी सीरीज खत्म कराऊंगा। अब ये सिक्किम के प्रेम सिंह तमांग, वैसे तो हमें नहीं पढ़ना, क्योंकि अभी लेटेस्ट हमारे इतने सीएम बन चुके हैं, यूपी के नए सीएम बन लिए, और भी राज्यों के नए सीएम बन ली, तो हमें तो वही पेपर में आ सकते हैं, है ना। तो लेटेस्ट में ये और तो आएगा नहीं वाला, ठीक है। अब ये बताइए, महाराष्ट्र की एक लेक है जो रामेसर साइड में आई है, तो वैसे भी पता होना चाहिए कि रामेसर साइड में, चाहे 2020 क्यों ना हो, लेकिन रामेसर साइड में ये तो पता होना चाहिए मेरे दोस्त। आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, चलो तो आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, लोनार लेक। इसका क्वेश्चन मैं कल भी कर रहा था कि भैया सबसे बड़े साइज का मेटियोर से क्रेटर लेक बना पूरी दुनिया में, ठीक है, वो कौन सा लेक है? वो है लोनार लेक, जिसे हम क्रेटर लेक भी कहते हैं, है। इसका तो क्वेश्चन मैं कल भी कर रहा था, ठीक है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन। साइज थोड़ी ना अलग सी देखने को मिल रही है, थोड़ी सी अलग देखने को मिल रही है साइंस ना, साइंस का कुछ इलाज और भी करना पड़ेगा, और वो आपको देंगे सर, नींद को दूर कैसे करें, ठीक है, करो जैसे तैसे करना पड़ेगा। तो क्या करो, एक तो नींद को दूर करने का तरीका क्या है कि ज्यादा पानी पिया करो, ज्यादा पानी पिया करो, उससे भी नींद दूर होती है, मतलब नींद पानी पीने से, ठीक है, हर टाइम बना रहेगा माहौल, नींद आ रही होगी उससे पहले वो आ जाए माहौल। सर दिस इज ऑल्सो अवे, मतलब मैं तो ऐसे करता, मैं ना रात को सुबह जल्दी उठने के लिए, मेरे को बड़ी नींद आती थी, मेरे को सुबह जल्दी उठना होता ना, बहुत जरूरी होता था मेरे लिए सुबह जरूरी उठ के, मतलब अपना पढ़ना पढ़ना, मेरे को बड़ा शौक था सुबह पढ़ने का, लेकिन मैं सुबह उठने वाला, मैं बहुत पानी पी के सोता था। हाँ समझदार हो,
आंसर है इस क्वेश्चन का, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉइन द टर्म बैटरी टू डिस्क्राइब द लिंक कैपेसिटर। ठीक है, कैपेसिटर डिस्क्राइब करने के लिए टर्म बैटरी, मतलब बैटरी वर्ड किसने दिया, ये क्वेश्चन है बेसिकली। ठीक है ना, आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का आंसर बेंजामिन फ्रैंकलिन। तो ये सब हमें लिंक विंक का ना पता हो, लेकिन ये तो पता होना चाहिए कि ये बैटरी टर्म किसके द्वारा दिया गया, बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा। ठीक है ना। चलिए आंसर क्या है इस क्वेश्चन का बताइए, आंसर क्या है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन। ना है स्पीकर ना है डेप्यूटी स्पीकर, तो ज्वाइंट सिटिंग को कौन प्रिसाइड करेगा। ये कितना प्यारा कितना खूबसूरत क्वेश्चन है। ज्वाइंट सिटिंग आर्टिकल 108 के तहत होती है, उसे हमेशा स्पीकर प्रिसाइड करते हैं। जो अगर स्पीकर ना हुए, ठीक है, जो अगर स्पीकर ना हुए और मान लो डेप्यूटी स्पीकर भी ना हुए, तो उसके बाद उसे कौन प्रिसाइड कर सकता है, बताइए आंसर क्या इस क्वेश्चन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है यार, बहुत अच्छा क्वेश्चन, नाइस क्वेश्चन। ठीक है, पॉलिटी पढ़ी होनी चाहिए इसके लिए अच्छे से। चलो सही बता रहे हैं, सारे सही बता रहे हैं, अच्छे स्टूडेंट है यहाँ पे, क्लास में पढ़ रहे हैं, अच्छा मेहनत है, नॉलेज है। ठीक है, डेप्यूटी चेयरमैन, देखो गलती से बच्चे क्या करते हैं कि भैया अगर स्पीकर नहीं आया, डेप्यूटी स्पीकर नहीं आया, तो भैया बच्चे सोचते हैं चेयरमैन होगा फिर तो नेक्स्ट, चेयरमैन नहीं होता चेयरमैन, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट भी है तो वो नहीं प्रिसाइड कर सकता है। ठीक है, तो डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा प्रिसाइड्स आफ्टर दैट आर्टिकल 108 कहता है। ठीक है, एएमआर अक्कर व्हेन बैक्टीरिया वायरस फंजाई ये सब जो है चेंज हो जाते हैं, और ठीक है मेडिसिन जो दवाइयां हम लगाते हैं उस पे इफेक्ट नहीं होता, मतलब दवाइयों का कोई असर नहीं होता इस पे, जिससे जो बीमारी है ना ज्यादा फैलती है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। बताइए आंसर के इस क्वेश्चन का, बहुत प्यारा क्वेश्चन, ये मेडिकल साइंस की एक इंपॉर्टेंट नॉलेज में से एक समझ लो। ठीक है, बेसिकली क्या होता है कि देखो हर बीमारी का ना दवाई इलाज होती है, लेकिन कोई बीमारी ऐसी हो जाए, चाहे वो बैक्टीरिया हो, वायरस हो, फंजाई हो, पैरासाइट हो, जिस जो अपना चेहरा इतनी जल्दी बदल रहा है कि भैया कोई भी दवाई हम जब दे रहे हैं तो वो उसका असर नहीं हो रहा है, जिससे बीमारी जल्दी फैलेगी। ठीक है, और बीमारी जल्दी फैलेगी तो डेफिनेटली मृत्यु जल्दी होगी। ये कोरोना में हुआ था, कोरोना में ऐसे ही हुआ था, कोरोना वायरस कुछ इसी तरीके से एएमआर की तरह ही काम कर रहा था कि वो अपनी शेप जल्दी से बदल रहा था, डॉक्टर एक इलाज निकालते हैं दूसरा उसका शेप हो जा रहा है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये एंटी माइक्रोबल रेजिस्टेंस होता है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एंटी माइक्रोबल रेजिस्टेंस की मतलब दीवारियों जो दवाइयां हम दे रहे हैं उसका कोई असर नहीं हो रहा, उसको रेजिस्ट कर रहा है, ठीक है, शेप चेंज करके। ठीक है, एएमआर की फुल फॉर्म है। अच्छा क्वेश्चन था, करंट अफेयर है, नहीं करना है क्वेश्चन, डेफिनेटली नॉट रिक्वायर्ड 2023 में। ठीक है, फरवरी में है तो बहुत ज्यादा पुराना हो गया। बताइए मेखला चडोर जो है ये ट्रेडिशनल ड्रेस है, ये कौन सी स्टेट की ड्रेस है। ठीक है, बताइए मेखला जो ये ड्रेस है ये कौन सी स्टेट की ड्रेस है। तो ये सर हमें तो नहीं पता, आप बताओ। चलो आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, जैसे भी ये वाला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है कि मेखला चडोर जो है ये किस स्टेट का एक ट्रेडिशनल डांस ड्रेस है। तो आंसर है इस क्वेश्चन का, ये असम का है ना, कहाँ का है, असम का है। ठीक है ना, तो असम का डांस ड्रेस फॉर्म है ये, थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन बट नॉलेज होनी चाहिए, आर्ट एंड कल्चर का हिस्सा होता है ये सब। मैं अपने पेड़ बैच में भी आर्ट एंड कल्चर पे इतना जोर दे रहा हूँ, क्यों, क्योंकि मेरे को पता है कि भैया ये आर्ट एंड कल्चर से पता नहीं क्या क्या पूछ लेते हैं, मुश्किल जो है ना लूपहोल जो है ना वो ये सब टॉपिक है, आर्ट एंड कल्चर, साइंस एंड टेक, ये सब। और मैं रात को 9 बजे भी करा रहा हूँ। ठीक है, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ये तो आसान है, वाटर सोल्यूबल, एक होता है वाटर सोल्यूबल, दो विटामिन है, विटामिन बी और विटामिन सी। ठीक है, और बाकी है कीड़ा जो कि विटामिन के हो गया, ई हो गया, डी हो गया, ए हो गया, जो कि हमारे क्या है, फैट सोल्यूबल। तो ये एक बच्चों वाला सवाल है, इकलौता बच्चों वाला सवाल इस क्लास का, मुझे यही लगा कि भैया हाँ ये बच्चों वाला सवाल, ठीक है, इकलौता सवाल जो मुश्किल लगा, इतना ज्यादा मुश्किल कि सभी सही कर दे रहे हैं, विटामिन सी इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए। हाँ जी, एक किताब है प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी,
ये किताब किसने लिखी? आप ना इस पेपर के हिसाब से ये समझ पा रहे होंगे कि भैया पेपर में किताबें बहुत पूछता है, और ये सच में पूछता है किताबें। चलो तो आंसर क्या है इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का आंसर है कि भैया ये है किसके द्वारा लिखे गए? जॉन स्टॉट मिल। ठीक है ना, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखिएगा। जैसे वाला क्वेश्चन देखो, ये नेशनल रिकॉर्ड अभी तक कायम है 1500 मीटर में और 800 मीटर स्प्रिंट में। जो नेशनल रिकॉर्ड है अभी तक है ये, और किसका रिकॉर्ड है? तो ये रिकॉर्ड जेनसन जॉनसन का है। ठीक है, नेशनल रिकॉर्ड। चलो ये नहीं करना, क्योंकि यार अविनाश साबले ने भी अभी एक रिकॉर्ड तोड़ा है। तो अभी देखो इसको हम नहीं करेंगे, क्योंकि ये 2020 में करंट अफेयर था जिस समय जिनसन जॉनसन ने रिकॉर्ड तोड़ा था, लेकिन उसके बाद अविनाश साबले ने भी इस रिकॉर्ड को तोड़ा है, तो इसलिए हम इस क्वेश्चन को नहीं करेंगे। ठीक है ना, इसलिए हम इस क्वेश्चन को नहीं करेंगे। चल एक और क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? हाँ जी, ये भी करंट अफेयर है। कुछ करंट अफेयर छोड़ रहा हूँ मैं। ठीक है, करंट अफेयर छोड़ रहा हूँ भाई, क्योंकि देखो अगर मैं 20-21 के करंट अफेयर कराऊंगा तो वो किसी काम के नहीं, और मैं पूरे 5 साल के क्वेश्चन लाए जितने भी हैं। चलिए, शेरशाह सूरी जो है इनका मकबरा कहाँ पे बना हुआ? शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पे? इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से बताइए। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पे? शेरशाह सूरी ने जो है हुमायूं को हराया था, सूरी डायनेस्टी स्थापित करी थी। ठीक है, और ग्रैंड ट्रंक जैसे जो जीटी करनाल जैसे रोड है ये सब बनवाए, सासाराम में। ठीक है, बिहार इनका फेवरेट था। ठीक है, शेरशाह सूरी बिहार सासाराम। चलिए एक और क्वेश्चन देखिएगा, बड़ा प्यारा क्वेश्चन। ठीक है, और इकोनॉमिक्स का ठीक ठाक क्वेश्चन सीएचएसएल में देख पा रहे हैं, है ना? बताइए, जैसे हम इकोनॉमिक इंडेक्स जब निकालते हैं तो बेस ईयर कौन से ईयर को मानते हैं? खतरनाक क्वेश्चन। देखो बेस ईयर के हिसाब से ही WPI, ठीक है, होलसेल प्राइस इंडेक्स, ठीक है, ये सब चीजें निकलती हैं। बेस ईयर कौन से ईयर को बनाया था? और ये ना ज्यादा मुश्किल नहीं है, अगर इकोनॉमिक्स का बेसिक नॉलेज है आपको, ये पता होना चाहिए कि भैया पहला ही जो ईयर होता है, ठीक है, उसी को जो है बेस ईयर माना जाता है, पहले ही ईयर को। ठीक है, जैसे मान लो एक पूरी ईयर की सीरीज चल रही है, वो 10 साल की सीरीज बना रखी है कि 10 साल के हिसाब से हम WPI निकालेंगे, तो जो 10 साल के हिसाब से जो सबसे पहला साल होगा ना उसको बेस ईयर माना जाएगा। अब हम अपने देश की गरीबी कैसे निकालते हैं? हम ऐसे थोड़ी निकालते हैं कि भैया इस साल हम कितने गरीब थे, अगले साल कितने गरीब, ऐसे नहीं निकलता है। गरीबी कैसे पता चलेगी? कि जो बेस ईयर है उस साल हम कितने गरीब थे, तो उसके कंपेरिजन में हम हर साल कितने गरीब है। तो इकोनॉमिक इंडेक्स में कोई भी इंडेक्स हो, चाहे किसी भी चीज का इंडेक्स हो, बेस ईयर फर्स्ट ईयर को माना जाता है, उस हिसाब से बताया जाता है सब कुछ। ठीक है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन गया आपका, लेकिन पता हो गया ना, नॉलेज मिल गया आपको। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या? हमने कनाडा से क्या लिया बताइए? डोंकी। कनाडा से क्या लिया? डोंकी। कनाडा तो नहीं जाते वैसे ना, डोंकी। चलिए आंसर क्या है इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का आंसर है कनाडा है सेंटर, सेंटर प्लस प्लस, यानी कि जो चीजें सेंटर को स्ट्रोंग बनाती है वो सब। अब इसमें कोई सेंटर प्लस प्लस का एज सच कोई कंसेप्ट नहीं लिखा, लेकिन हाँ सुप्रीम कोर्ट एडवाइजरी जुडिक्शन है वो आर्टिकल 148 जिसमें प्रेसिडेंट एडवाइस मांगते हैं, वो हमने कहाँ से लिया पता आपको? कनाडा से, आर्टिकल 143, आर्टिकल 143 याद रखना। आर्टिकल 143 का जो एडवाइजरी जुडिक्शन है, बेसिकली इसमें सलाह मांगते हैं, एडवाइस मांगते हैं। ठीक है, वही 143 का क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन देखो, एम्पियर के कंपैरिजन में, देखो साइंस का थोड़ा सा लेवल हाई है, आप इसको समझ जाओ और साइंस के लेवल को पढ़ना स्टार्ट कर दो। साइंस नहीं पढ़ रहे बहुत सारे बच्चे, इसलिए साइंस में थोड़ी दिक्कत आ रही है आपको। ठीक है, अब जैसे कह रहा 1 एम्पियर का मतलब क्या है? स्टेटमेंट लिखिए 4 1 एम्पियर। तो वैसे आपको पता होगा कि एम्पियर करंट है, बट एक्चुअली में स्टेटमेंट वाइज में थोड़ा दिक्कत होगा ना। 1 एम्पियर क्या है? स्टेटमेंट वाइज दिक्कत है। ठीक है, बिल्कुल कुछ बच्चे सही बता रहे हैं। 1 कूलम चार्ज जो है
एक सेकंड में जो फ्लो करता है उसी से एम्पियर निकलता है, ठीक है, 1 एम्पियर निकलता है, बिल्कुल करंट की डेफिनेशन है, ठीक है, बिल्कुल सही है, करंट की डेफिनेशन है, बट पता तो होना चाहिए ना, ठीक है ना, कि 1 कूलम्ब चार्ज 1 सेकंड में जो फ्लो कर रहा है वही है, ठीक है ना। चलिए एक और क्वेश्चन देखिएगा, गांधीयन प्रिंसिपल जो डीपीएसपी, देखो डीपीएसपी में गांधीयन प्रिंसिपल है, लिबरल प्रिंसिपल है, सोशल प्रिंसिपल है, तो उनमें से कौन सा प्रिंसिपल गांधी ने पता होना चाहिए, जैसे विलेज पंचायत लिखा है, इज इट अ गांधीयन प्रिंसिपल, ठीक है। अरे डियर प्रियांशी सैनी, क्लास कब तक चलेगी का कोई मसला थोड़ी है, क्लास तो चलती ही रहेगी, क्लास आज खत्म होगी कल रात को 8 बजे दोबारा स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, मैराथन के रूप में, फिर शाम को 7 बजे मंडे से रेगुलर स्टार्ट हो जाएगी, अंत नहीं है क्लास का अभी, लेकिन फिलहाल 20 मिनट 25 मिनट से ज्यादा चलेगी, ठीक है। मतलब मैं आपको 10, मेरी 10, देखो मेरा क्या है कि जब मैं पढ़ाने लगता हूँ ना उसके बाद मेरे को ना ब्रेक नहीं चाहिए, मैं बीच में आलस फील कर जाता, ठीक है, तो मेरी 10 बजे है पेड क्लास, मैं आपको 10 बजे से सिर्फ 5-10 मिनट पहले छोड़ूंगा, स्टूडेंट तो की मेरा फ्लो बना रहे, ठीक है ना, जहां मैं पढ़ा रहा हूं मैं इस चीज की सहूलियत पूरी रखता हूँ कि मेरे को बढ़िया फील होना चाहिए पढ़ाते समय, बस आप ये समझ लो, जब मेरी पेड क्लास स्टार्ट हुई उससे 5 मिनट पहले जो आंसर है विलेज पंचायत, ये है गांधी प्रिंसिपल संबंधित काउस लोटर विलेज पंचायत ये सब होगा, ठीक है। जुडिशरी एग्जीक्यूटिव लिबरल प्रिंसिपल है, यूनिफॉर्म सिविल कोड लिबरल प्रिंसिपल है, इक्वल पे सोशल प्रिंसिपल है, तो ये सारे प्रिंसिपल बताओ मुझे, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखिए, कमेंट करिए, करंट अफेयर नहीं करना है, क्योंकि देखो यार 20-22 का हम नहीं करेंगे, क्योंकि 20-23 का भी हमें पता है कि भैया यूएस ओपन कौन जीता है, तो 20-22 का करके क्या करना है, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखिए, हाँ जी, हाईएस्ट नंबर ऑफ एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग प्लांट कहाँ है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, एल्यूमिनियम को जो स्मेल्ट किया जाता है उसके प्लांट जो है सबसे ज्यादा कौन सी स्टेट में, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, नया क्वेश्चन, एक और अच्छा क्वेश्चन है, आंसर के इस क्वेश्चन क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर बेटा ध्यान रखना, जैसे इस हफ्ते हम सीएचएसएल के 5 साल के क्वेश्चन उठा गए ना, अगले हफ्ते हम सीजीएल के उठाने वाले हैं, मैं क्वेश्चन इसी मंडे को ही बनवाना स्टार्ट कर दूंगा कि भैया 5 साल के सीजीएल के क्वेश्चन बनाओ, ठीक है, फिर हम सीपीओ के दोबारा उठाएंगे और भी सीपीओ के पहले भी उठाए, ठीक है। चलिए आंसर है उड़ीसा, उड़ीसा में वलियार डैम कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, कल मैं आप कल ही परसों में मंडे को डैम रिवर सिटीज ये सब कराने वाला हूँ, तो उसमें मैं चैप्टर कराऊंगा, ठीक है। चलिए आंसर के इस क्वेश्चन का कमेंट करो जल्दी से बताइएगा, वलियार डैम कौन सी डिस्ट्रिक्ट में, केरला के, कमेंट 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 नहीं। चलो तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, मुश्किल है क्वेश्चन ये बहुत ज्यादा, ठीक है, पालक्काड, देखो ना, लेकिन फिर भी हम ये कह सकते हैं कि ये पालाकाड़ डिस्ट्रिक्ट बड़ा फेमस है, इट्स वेरी फेमस डिस्ट्रिक्ट पालाकाड़, नाम भी सुना होगा, मूवीज में भी दिखाते हैं, पालाकाड़ गैप भी है, ठीक है, पालाकाड़ घाट भी है, गैप भी है ना, तो एक ये हिल स्टेशन के रूप में भी है ना। चलिए एक और क्वेश्चन देखिएगा, चलिए एक और क्वेश्चन देखिएगा, कमेंट करिए, कौन से म्यूजिशियन है क्लासिकल म्यूजिशियन जो फर्स्ट है जिनको भारत रत्न प्रेजेंट किया गया था, हमारे भारत का सिविल सिविल बोर्ड, सबसे पहला म्यूजिशियन जिनको भारत रत्न दिया गया, अच्छा क्वेश्चन, ऐसा पहला भारत रत्न किसे मिला था ये क्वेश्चन आसान है, लेकिन पहला म्यूजिशियन भारत रत्न किसे मिला था ये क्वेश्चन थोड़ा मुश्किल है, ठीक है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर है मदुरई, ठीक है, सन्मुख दिवु शुभ लक्ष्मी, साउथ वाले नाम तो बड़ा ही लंबा रख देते हैं, मतलब जैसे मैं इमेजिन कर रहा हूँ कि ज्यादातर जो फॉर्म फिल करने के होते हैं ना, तो उसमें ना आई उसके बाद नाम लिखने के लिए इतना सा स्पेस होता है, क्योंकि तो नॉर्थ वालों के हिसाब से मेरे ख्याल साउथ वालों के लिए इतना होता हूँ, पूरी लाइन आई के बाद पूरी लाइन नाम भर दो अपना, फिर डिटेल आती हूँ, नॉर्थ में तो इतना सा स्पेस होता है। एक और क्वेश्चन है, कुछ ज्यादा ही लंबा नाम, एक और क्वेश्चन देखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर, पद्मश्री अवार्डी गोपाल प्रसाद दुबे जी, ठीक है, इनका कौन से डांस में कंट्रीब्यूशन था, आंसर क्या है इस क्वेश्चन का जल्दी से बताओ,
आंसर क्या है कमेंट करिए जल्दी से बताएगा। चलते इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। अब बेटा कहीं मेंस मेंस की क्वेश्चन नहीं है ये, सीएचएसएल के सिंपल क्वेश्चन है बस प्री, मतलब ये समझ लो सीएचएसएल इतना भी आसान नहीं है जो हम समझते सीएचएसएल बहुत ही आसान हुआ, ठीक है ना। चलो ये जो श्री गोपाल प्रसाद जी हैं ये चाहू, चाहू कहाँ का डांस फॉर्म है बताइए, चाहू कहाँ का डांस फॉर्म है, बड़ा फेमस है चाहू, एक बड़ा फेमस डांस फॉर्म है जो राजपाल यादव है, रामपाल यादव या राजपाल यादव जो फिर हेरा फेरी वाले में छोटू जिसने पैसे डबल करके दिए थे है ना, वो इसी डांस फॉर्म से मशहूर हुए। चलिए आंसर है इस क्वेश्चन का चाहू। चलिए एक और क्वेश्चन देखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है कमेंट करिए। पंडित शिव कुमार शर्मा बड़ा फेमस नाम है, किस म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट के लिए फेमस, पंडित जी शिव कुमार शर्मा जी किस म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट के लिए फेमस बताओ, ठीक है ठीक है। चलिए आंसर है इस क्वेश्चन का आपका चेहरा मेरे लिए लकी है संतूर, संतूर तो संतूर इस क्वेश्चन का आंसर है शिव कुमार शर्मा जी, ठीक है संतूर के लिए प्रसिद्ध है, थे और रहेंगे थे आएंगे वैसे। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर संतूर है, एक क्वेश्चन आपको मिल सकता है, एक और क्वेश्चन है पार्टिसिपेट करना, अभी बहुत क्वेश्चन है, ये समझ लो कि हमारे ना क्वेश्चन की लिमिट नहीं है, जब से मैंने मतलब मेरे पूरा एक हफ्ता लिया ये बताने के लिए कि शाम को 7 बजे क्लास लेके आऊंगा बढ़िया वन लाइनर्स के, तो वही कंटेंट अब ये समझ लो कि हर जगह यूज होगा और बहुत क्वेश्चन उठाया अलग से, ठीक है ना। चलिए एक और क्वेश्चन देखिएगा, जैसे वाला क्वेश्चन नोबेल प्राइज फिजिक्स में 1909 में मिला, ठीक है इनके साथ कार्ल फ्रेडनेंड को भी मिला, अब इन्होंने क्या किया था वायरलेस टेलीग्राफी बनाई थी, अब सवाल पूछा रहा है कि कौन सा बंदा है जिसने वायरलेस टेलीग्राफी बनाई थी, ठीक है कार्ल फ्रेडनेंड ने तो बनाई थी, उसके साथ कौन से व्यक्ति हैं जिन्होंने वायरलेस जो है टेलीग्राफी बनाई थी, बताइए टेलीग्राफ वायरलेस बनाना भी एक बड़ी उपलब्धि थी उस समय, ठीक है आंसर क्या है इस क्वेश्चन करो जल्दी से बताओ। चलो तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है कि ये जो है ग्लैमो मैरकोनी जो है इनके द्वारा, देखो क्वेश्चन इतना मुश्किल है कि आप नहीं कर सकते, ये तुक्के मारने वाली बात ही है, सारे के सारे मार रहे, ठीक है लिटरली बहुत तुक्के मार रहे हो सारे के सारे, आंसर फिर भी देते हो आप पेपर में ऐसा मत करना, ठीक है जब तुम आप तुक्के मार रहे होते ना आगे से तुक्के मारने वाले आंसर में ना टी लगा दे करो लास्ट में जिससे समझ आए कि तुक्के कितने लग रहे हैं। चलिए एक और क्वेश्चन देखिएगा है ना, ये सीनियर सिटीजन के लिए एक स्कीम है, बताइए कौन सी स्कीम सीनियर से, वैसे 2017 की स्कीम है पुरानी होगी, ठीक है तो यही कर रहा करंट अफेयर में रहा हुआ, करंट अफेयर छोड़ता हुआ जा, ठीक है करंट अफेयर है छोड़ना पड़ेगा, ये भी करंट अफेयर 2018 का नहीं करना। चलो ये बताओ सीएचएसएल में आता है कंप्यूटर भी और कंप्यूटर के क्वेश्चन बड़े मुश्किल होते हैं है ना, आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, शॉर्टकट की पूछ रहा है आपसे, ठीक है कि आप अगर वर्कबुक को एमएस एक्सेल 365 में ओपन या क्लोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कौन सी शॉर्टकट की का प्रयोग करना पड़ेगा, आंसर क्या है इस क्वेश्चन का बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, लूसेंट की किताब उठाओ, लूसेंट की किताब में पीछे लास्ट में कंप्यूटर के ठीक है 4-5 पेज दे रखे हैं, उसमें सारी शॉर्टकट की दे रखे हैं, सारी पढ़ के चले जाओ, एक क्वेश्चन तो पक्का है ना फिर है ना, इतना तो पक्का है ना कि एक क्वेश्चन हो जाएगा, कंट्रोल W है आंसर, तुमने तो L लगा दिए है ना, समझ लो क्या कहना चाह रहा हूं, तुम्हें कंप्यूटर का ये नहीं पता है ना, ये कैसे होगा, मतलब ये जो गलतियां जो तुम कर रहे हो बड़ी छोटी छोटी गलती, ठीक है छोटी छोटी गलतियां जो आप कर रहे हो, आपको ये कंप्यूटर का ये नहीं पता कि भैया शॉर्टकट की क्या है, तुम पेपर में सिलेक्शन की कोशिश उम्मीद ये सब लगा के बैठे, गलत तो नहीं लगा के बैठे, ठीक है आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, हाँ जी लिटरेट डिस्ट्रिक्ट सेंसस 2011 के हिसाब से, मैंने ये तो आपको सेंसस में भी पढ़ा रखा है, बताइए आंसर क्या है, ये तो आसान है सेंसस पढ़ा रखा है, मिजोरम का डिस्ट्रिक्ट है ना, क्या नाम है सरचीफ, ठीक है मिजोरम का डिस्ट्रिक्ट है सरचीफ, पता ही होगा मिजोरम का डिस्ट्रिक्ट सरचीफ, ठीक
ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन देखिएगा, वैसे केरला का लिटरेसी रेट ज्यादा है बट एज अ डिस्ट्रिक्ट मिजोरम का सर चीफ का ज्यादा है, ठीक है। तो ऑब्वियसली 2020 के बाद 2024 तक पता नहीं कितने ग्रैंड मास्टर आए हैं, इसको हम छोड़ देंगे, लेकिन हाँ दिस इज अ डैम इम्पोर्टेंट, ये इसलिए अभी भी आपको बताना चाहिए, दिस कैन बी अ स्टैटिक जी के क्वेश्चन, क्योंकि ये सबसे यंगेस्ट चेस ग्रैंड मास्टर है डी गुकेश, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन इस तरीके से भी मिल सकता है कि ईयर ना पूछ के सीधा पूछे कि बताओ इंडिया के यंगेस्ट चेस ग्रैंड मास्टर कौन है, ठीक है, आंसर डी गुकेश है, दिस इज एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये आपको मिल सकता है, ये आ सकता है क्वेश्चन, ठीक है ना। डी गुकेश सुना होगा आपने सभी ने, बड़ा प्रसिद्ध नाम है, चेहरा भी बड़ा प्रसिद्ध है, ठीक है ना। तो अभी प्रज्ञानंद भी आए उसके बाद, है ना। एक और क्वेश्चन देखिएगा, बस का पूछा तो बस के नाम से पूछ सकते हैं, पॉइंट समझ रहे आप, तो क्वेश्चन तो आ सकता है ना। चलो एक और क्वेश्चन देखिएगा, आ नहीं करेंगे क्योंकि करंट अफेयर रहा है पुराना, हम नहीं करेंगे। बताइए बिहार केसरी किसे कहते हैं, बताइए। पीडीएफ में 100% टेलीग्राम पे डालूंगा, क्योंकि आज सिर्फ एक यही लेक्चर हो रहा है, तो ये पीडीएफ 100% टेलीग्राम अमन सर टेक्स्ट बुक पे आएगी, ठीक है ना। सर आज मेरी गर्लफ्रेंड की शादी है, कार्ड दिया तो खा पी गया हो बढ़िया से, काले गुलाब जामुन बढ़िया से, क्या दिक्कत है, दोस्तों को भी ले जाऊं, है ना, रात को वैसे भी क्लास नहीं एंजॉय। तो आंसर है इस क्वेश्चन का श्री कृष्ण सिन्हा है, इस क्वेश्चन का आंसर है। एक और क्वेश्चन देखिएगा, है ना, चलिए एक और क्वेश्चन देखिएगा, बिहार केसरी श्री कृष्ण सिन्हा जी को कहा, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन देखिएगा, औतुन दुलाल एक ट्रेडिशनल डांस है, अब किस स्टेट का है, जल्दी से बताइएगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है ना, आंसर क्या। चलो तो जैसे अब ये वाला क्वेश्चन है, औतुन दुलाल, जैसे कोतित्यम, औतुन दुलाल, ये सब बड़े फेमस डांस फॉर्म है, ये मुश्किल नहीं है, ऑब्वियसली ये आसान है, ठीक है, आंसर है केरला, बहुत ही आसान क्वेश्चन। तमिलनाडु और केरला में गलती करते ये पक्का पता था, और ये कर रहे तुम तो। तमिलनाडु और केरला में कंफ्यूज हो, ठीक है, क्यों कंफ्यूज हो भाई। चलो एक और क्वेश्चन देखेंगे दोस्त, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, कल मैं आपको ना चंद्रयान वाला क्वेश्चन करा था, ठीक है, आपको ये सर ये वाला क्वेश्चन क्यों आया, ये देखो यार, मैं तुम्हें दोबारा बताऊं, सीएचएसएल 2019-20 के पेपर का क्वेश्चन है, चंद्रयान 2 उस समय लॉन्च हुआ था, तो भैया उसका वेट पूछ लिया, उसका वेट पूछ लिया, हालांकि मेरे को ये चीज कल परसों जो मिशन प्रोजेक्ट कराया था उसमें मैंने ये वाला क्वेश्चन हटा दिया था, मैंने सोचा था चलो यार 2019 का कौन पूछेगा चंद्रयान 2 का, लेकिन अभी ये सीएचएसएल के पेपर में से आया तो ठीक है, ध्यान रखो 3.8 टन, बाकी मैंने सब पढ़ाया, चंद्रयान 1, 2, 3 सब कुछ पढ़ाया, A to Z चीजें, कौन सा व्हीकल लॉन्च है, सब कुछ, PSLV C11, GSLV MK3 सब पढ़ा दिया था, ये टन वाला रह गया था, टन भी देख लो 3.8, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन देख, ये क्वेश्चन देख के आपकी आंखें खुलनी चाहिए, ये प्रतीत होना चाहिए आपको कि आपका ज्ञान जो है अभी अधूरा है, इस ज्ञान में थोड़े से और तेल की आवश्यकता है, उस ज्योति को जगाए रखने के लिए, जिस ज्योति को आपको पेपर तक लेके जाना, ठीक है, क्योंकि पेपर में अगर ज्योति बुझ गई तो आपका दिया जग नहीं पाएगा सिलेक्शन का, बहुत हार्ड क्वेश्चन आता है, ठीक है, ध्यान रखना है। क्वेश्चन देखेगा, ऑर्गेनिज्म और उनके पार्ट्स की स्टडी के लिए बायोलॉजी की कौन सी ब्रांच है, आसान क्वेश्चन है, ये तो बताओगा, चैप्टर भी करा रखा है, ये वाला क्वेश्चन भी करा रखा है, ठीक है, आंसर क्या है। चलो तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, पार्टिसिपेट, पार्टिसिपेट, ठीक है, आंसर क्या है। एक बच्चा कह रहा मुझे तो दृष्टि दोष है, वैसे ये चैप्टर भी पढ़ना है, दृष्टि दोष भी, तो आंसर है इस क्वेश्चन का, कहाँ गया क्वेश्चन, मैं कहाँ पहुंच गया भाई, एनाटॉमी, मैं जब भी पानी पी रहा होता हूँ पता नहीं 10 क्वेश्चन आगे पूछ जाता हूँ, कल भी ऐसे ही हुआ था सर, एनाटॉमी इस क्वेश्चन का आंसर है, आसान है वैसे क्वेश्चन, ठीक है। वीडो रिमैरिज एसोसिएशन जो हुआ था, बनाया गया था जो एसोसिएशन, वीडो रिमैरिज एसोसिएशन, उनके हेड कौन थे, बताइए हुआ था हेड। चलो आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, जल्दी से बताएगा क्या है इस क्वेश्चन का आंसर, क्या सर सारे आंसर रिवील कर दिए, चलिए आंसर क्या है इस क्वेश्चन का,
ठीक है, आंसर देखो ये आसान है क्वेश्चन कि भैया जो एमजी रनाडे थे उन्होंने विडो रिमैरिज जो है एसोसिएशन स्थापित किया 1861 में। ये आसान क्वेश्चन ठीक है। डॉक्टर सुनंदा नायर फेमस है किस परफॉर्मेंस के लिए, किस डांस परफॉर्मेंस के लिए फेमस? सुनंदा नायर नाम भी सुना होगा कहीं ना कहीं, कोई और भी क्वेश्चन देखा होगा कहीं और भी, मैंने भी कराया होगा पक्का ये क्वेश्चन सुनंदा नायर का। ठीक है बताइए आंसर। फेमस नाम तो डिस्कस करे ही होते हैं ठीक है, जिसको जैसे मान लो जब सैटरडे संडे आता है ना, कोई डाउट होता है, कुछ कंटेंट चाहिए ठीक है, कुछ डाउट पूछना, आप मेरे साथ जुड़े हुए हो टेलीग्राम पे, आप मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हो कि भाई सर ये वाला मसला है, कंटेंट से संबंधित, क्लास से संबंधित, तैयारी से संबंधित, सब्जेक्ट कोई भी हो सकता है ठीक है, तो आप उसे कनेक्ट कर सकते हो, टेलीग्राम पे अवेलेबल हूँ ठीक है। एक टेलीग्राम है डिस्कशन, अमन सर टेक्स्ट बुक डिस्कशन, तो उसमें आपको ओपन मैसेज अलाउड है ना, तो उसमें भी डाल सकते हो। चलिए आंसर मोहित इस क्वेश्चन का आंसर, चलो प्यारा क्वेश्चन। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन में शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब ऑर्डर अमेंडमेंट बिल आया, उसमें कौन सी कम्युनिटी को जो है शेड्यूल ट्राइब घोषित किया गया यूपी के कुछ भागों में? पता है आपको कि भाई ये जो ट्राइब है ना, बेसिकली ऐसा नहीं है कि ये ट्राइबल्स में नहीं आता ठीक है, लेकिन यूपी के सम पार्ट में नहीं आता था, अभी आने लगा है गोंड्स ठीक है। वैसे गोंड्स फेमस है, गोंड्स नाम सुना होगा आपने ठीक है ना। चलो तो आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, गोंड्स इस क्वेश्चन का आंसर है ठीक है, भील गोंड्स ये सब पता होगा ठीक है। लार्जेस्ट ग्लोबल ये करंट अफेयर है 2022 का ठीक है, इनोकुलेशन ड्राइव स्टार्ट करी थी ठीक है, फोर्थ वर्जन, तो महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, प्रेग्नेंट वुमेन्स के लिए, बच्चों के लिए, वो मिशन इंद्रधनुष में था कि भाई वैक्सीनेशन उनको कवर हो जाए, जैसे बच्चा शिशु पैदा होता है उसको वैक्सीनेशन चाहिए होती है, तो वैक्सीनेशन देना अनिवार्य है, तो मिशन इंद्रधनुष में हेल्थ मिनिस्टर ने लॉन्च किया था मिशन इंद्रधनुष। ये हर बार ही चलता है मिशन इंद्रधनुष, एक बड़ा मिशन है जिसमें वैक्सीनेशन दी जा रही है ठीक है, बहुत पहले स्टार्ट हो गया था ठीक है। इसका अभी मतलब ये इसी ड्राइव के अंदर ठीक है। ट्रोपोस्फेयर की एवरेज हाइट क्या है? पता है मैंने ये वाला क्वेश्चन भी आपको क्लाइमेटोलॉजी में एक बार ही कराया है, मैंने तुम्हें बताया था कि भैया लमसम ट्रोपोस्फेयर की एवरेज हाइट कितनी होनी चाहिए, 13 होनी चाहिए, क्योंकि भैया 8 और 18 प्लस डिवाइडेड बाय 2 13 उस हिसाब से। ये मैंने किसी चैप्टर में 9 बजे को मैंने 9 बजे, देखो ये सब क्वेश्चन चलो अगर आपसे हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, सब 9 बजे इलाज है, सब चीजों का इलाज 9 बजे हो रहा है ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन देखिएगा, बड़ा प्यारा आसान क्वेश्चन भाई, सोडियम कहाँ में लोकेटेड है? पीरियोडिक टेबल में, देखो पीरियोडिक टेबल में कराऊंगा मंडे से पूरा बढ़िया से, लेकिन अभी बता दो सोडियम, वैसे भी पता होगा बचपन का सवाल है, सोडियम कहाँ पे लोकेटेड है ठीक कितना आसान क्वेश्चन फिर भी गलत कर रहे हो, आसान होने के साथ डाउटफुल है, आसान होने के साथ डाउटफुल है। चलिए आंसर है इस क्वेश्चन का ऑन द लेफ्ट। देखो बेसिकली क्या है कि अगर मैं ये कहूं कि ये पीरियोडिक टेबल है ठीक है, तो इसमें इधर कहीं सोडियम है ना, तो भाई लेफ्ट में गलती से टॉप पे भी मत लगा देना, क्योंकि ऊपर तो नहीं है ना, लेफ्ट में इस तरफ नीचे है थोड़ा है ना, तो लेफ्ट साइड में आसान है, कुछ नहीं ऐसा किसी का भी पूछ सकते हैं। ऐसा एलिमेंट जो थोड़ा सा कहीं ना कहीं सुना हुआ है, बच्चों ने बचपन में कहीं देखा होगा, ऐसा एलिमेंट पूछ सकते हो आपसे, कोई हेलोजन कोई नोबल गैस का पूछ सकते हैं कि कहां पे लेफ्ट है राइट है, टाइप ऑफ क्वेश्चन है, ये पेपर में आया था ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन देखिएगा, बैंकिंग सेक्टर में आईएमपीएस का फुल फॉर्म क्या है, बताइए आंसर क्या है ठीक है। आप ना अपना उद्धार करने के लिए पेड बैच में पढ़ सकते हो, क्योंकि पेड बैच में ना अभी जैसे ये जो सेल चल रही है ना, ग्रैब द डील कुछ ऐसा सेल जो चल रही है, कैच द डील, उसमें ना फीस बड़ी कम है यार हर चीज की, कोई भी एग्जाम है उसकी अगर तैयारी करना है स्पेशली करो, बड़ा फायदा होगा। अमनदीप कोड यूज कर लेना, जो कोड मैंने स्टार्टिंग में बताया यूज कर लेना, फीस कम हो जाएगी। इमीडिएट पेमेंट सर्विसेज है, होता क्या है बच्चे क्या करते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है ठीक है, सेक्टर लगा दे रहे हैं, सेक्टर का क्या लेना देना भैया, बैंकिंग में कोई अलग से सेक्टर है, इमीडिएट पेमेंट सेक्टर मतलब उस सेक्टर में जाओगे जल्दी से पेमेंट हो जाएगी, ऐसा है क्या? कुछ पेमेंट सर्विस है,
आईएमपीएस की सर्विसेज तो हर बैंक में मिलती है, ठीक है, अब तो फोन पे भी मिलती है, ठीक है, सर्विस भोगो सर्विस। चलिए एक और क्वेश्चन देखिएगा, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। रुपए पे सेलेक्ट जो है कौन से बैंक ने लॉन्च किया, ये भी आसान है कि रुपए तो स्टैंडर्ड है ना, कि रुपए का तो पता ही कि भाई रुपए जो है सिलेक्ट जो है किस बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया, तो आंसर है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने इसे लॉन्च करवाया। एक और कोई SBI लगाते हो, अर्जेंट आंसर। आंखें बंद करके जो एक चेहरा नजर आया वो SBI था, और SBI लगा दिया, गलत हो गया क्वेश्चन। 2023 का करंट अफेयर 100% करना है, क्योंकि भैया 2023 का करंट अफेयर आ सकता है। ठीक है, चलिए, विल होस्ट फीफा वुमेन वर्ल्ड कप 2023। देखो आप सभी जानते हैं कि भैया ये ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की तरफ से, ठीक है, ये आ सकता है 100%, अभी भी आ सकता है, ठीक है, अभी भी आ सकता है। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए, फुटबॉल फॉर ऑल, ये 100% इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि भाई देखो हमारे भारत में ना फुटबॉल को ना ज्यादा प्रगति मिली नहीं है, तो स्टेट ने एक कल्चर निकाला है फुटबॉल फॉर ऑल, स्टेट की तरफ से ही रहेगा, ठीक है, ग्रास रूट फुटबॉल प्रैक्टिस कराने के लिए, और ये किस राज्य ने, ये उड़ीसा ने, उड़ीसा पहले हॉकी पे खेल रहा था, अब वो फुटबॉल पे भी खेलेगा, ठीक है, इंटरेस्टिंग है, अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है काम के क्वेश्चन में से भी, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन देखिए, पता है ये कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है कि ये यूनियन की जिम्मेदारी है, यानी कि सेंटर की सरकार की जिम्मेदारी है कि वो स्टेट को प्रोटेक्ट करे किसी भी एक्सटर्नल एग्रेशन से, ठीक है, किसी भी एक्सटर्नल, देखो बेसिकली क्या है ये एक्सटर्नल एग्रेशन, ये सब जो है ना 300, आपने क्या गलती कर दी, आपने 356 लगा दिया, आपने सोचा कि ये स्टेट इमरजेंसी होगी, मेरे भाई ये स्टेट इमरजेंसी नहीं है, ये एक तरीके से ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, 355 में लिखिए गया क्वेश्चन, कितनी जल्दी सबने 356 लगा दिया, ये सोचिए कि भैया इंटरनल डिस्टरबेंस है तो स्टेट इमरजेंसी होगा, 356 लगा देते हैं आंसर, गलत कर दिया ना सबने, है ना, और कुछ बच्चे तो नेशनल इमरजेंसी लगा देते 352 अगर दिया होता तो, यहाँ पे भी गलत है, 355 इस क्वेश्चन का आंसर है, क्वेश्चन अच्छा खासा है, क्वेश्चन गलत हुआ आपका, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट था, ठीक है, अब ये मैथ द फॉलोइंग है, फेयर एंड ऑल दे रखा है, इसमें तो आप एक देख के क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे, समझ रहे हो, पकड़ में आ गया, आ गया पकड़ में, पी का तो सेकंड ही है, सी का तो सेकंड ही है, जब हमने सी का सेकंड देखा हर जगह कहीं भी एक जगह सी का सेकंड है, ये आंसर हो गया, क्वेश्चन खत्म। वैसे भी सोमनाथ भी गुजरात में ही है, फेमस ही है, ठीक है ना, तो वैसे भी आसान हो जा रहा क्वेश्चन, कोई सा भी एक सोमनाथ लगा लो या फिर क्या बोलते हैं सूरज कुंड लगा लो, क्वेश्चन तो सॉल्व हो ही जाएगा, मतलब आप बातें पकड़ पा रहे हो, आप बातें पकड़ पा रहे हो, तो ध्यान रखना रात को 8 बजे कल भी बातें पकड़नी है, कितने बजे, रात को 8 बजे पकड़नी हर हाल में, और इस चीज का बेहद ध्यान रखना है कि आपको मंडे से शाम को 7 बजे पढ़ना पड़ेगा, अगर आपको इस लेवल को पूरे महीने करना है, बस पूरे महीने इस लेवल को कर लो, मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन फोड़ के आओगे, ठीक है, क्वेश्चन बना के आओगे पूरे महीने, और सुबह तो 8 बजे मैं डेली करा रहा हूँ, और देखिए कमेंट करते जाइए, एक किताब है इंडिया 71 ईयर टेस्ट, ये बेसिकली क्या है, ठीक है, द जर्नी टू ट्रियम्फ इन ऑस्ट्रेलिया, ये किताब लिखी गई, ठीक है, एक ये कह सकते हैं कि भाई पॉलिटिक्स के ऊपर है, या फिर ये कह सकते हैं कि फॉरेन पॉलिसी के ऊपर है, बताइए आंसर क्या इस क्वेश्चन का, नहीं हुई क्लास का था, मैं कह तो रहा हूँ मेरी पेड क्लास 10 बजे स्टार्ट होगी, उससे थोड़े सा पहले छोड़ूंगा, ठीक है, मैं बीच में मोहल्ले में घंटे देना चाह रहा हूँ, ठीक है, तुम भी जब पढ़ते हो, जैसे मान लो तुमने 2 घंटे पढ़ा, 5 मिनट का ब्रेक लिया, कहीं पे भग गए चाय वाय पी के, आगे बाहर चले गए चाय पी,
दोबारा आके बैठ गई, 1 घंटा एकदम पूरी एनर्जी का फ्लो रखा, फिर 1-1.5 घंटा और पढ़ लिया, फिर बाहर चले गए कुछ और खा लिया। बढ़िया सर, जेब में थोड़े बहुत पैसे रखो, मजे से खा पी के पढ़ते रहो, मजे मजे से चीजें होती है, ठीक है ना, कष्ट से नहीं होती, रो धो के नहीं होती, रो धो के कुछ भी नहीं हो सकता। जस्ट इमेजिन कि आप 1.5 घंटे पढ़ोगे, टारगेट रखोगे 1.5 घंटे 2 घंटे पढ़ूंगा, उसके बाद ये खाऊंगा, मजा आ जाएगा, हाँ फिर यहाँ पे जाऊंगा तो बढ़िया से पढ़ोगे। चलिए आंसर आर क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर है, एक और क्वेश्चन देखिए, नहीं करना है 2019 का पद्म भूषण, हमें इंटरेस्ट नहीं है इस पे कि भाई क्वेश्चन आएगा, इसमें आएगा ही नहीं, है ना, करंट अफेयर है, ये छोड़ना पड़ेगा, ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। अब ये ना जैसे ये है कि भाई रुक्मणी देवी जी है, बड़ा फेमस नाम है, ये भरतनाट्यम डांसर रही है, इनको ना 1956 में एक अवार्ड मिला था, जो कि ये इनका नाम वैसे ही बड़ा फेमस है, रुक्मणी देवी अवार्ड भी है, ठीक है। आंसर क्या है इस क्वेश्चन, ठीक है, आंसर क्या है जल्दी से बताइए। ठीक है, पद्म भूषण, कोई कहेगा सर आपने पीछे वाला छुड़वा दिया, ये वाला आपने छुड़वा दिया 2019 वाला कि मोहनलाल विश्वनाथ जी को मिला था, ये मैंने इसलिए छुड़वा दिया क्योंकि 2019 का है तो उसके हिसाब से वो करंट का पूछेंगे, लेकिन ये वाला मैंने इसलिए कराया क्योंकि ये 1956 में था, वन ऑफ द लेटेस्ट था, और जो महिला को मिला था वो फेमस नाम, ठीक है, इतना फेमस नाम है कि उनके नाम पे बड़ा कुछ है भरतनाट्यम, ठीक है ना। एक कंप्यूटर का क्वेश्चन, नोट एंड ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, बताइए कंप्यूटर का क्वेश्चन आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, जल्दी से बताइए, कंप्यूटर का क्वेश्चन, सॉरी कंप्यूटर का नहीं, बताइए इसमें से ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, यार कितना आसान क्वेश्चन, आंसर है इस क्वेश्चन का विंडो, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम ने विंडो, अगर आपको लाइनक्स डाल के देते हैं उसके बाद भी आप चला नहीं पा रहे सिस्टम को, एंड्रॉयड उबंटू कुछ भी नहीं, लेकिन अगर विंडो डाल के देते हैं तो मस्त तरीके से चलाते हो क्योंकि वो ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं, ठीक है ना, विंडो खरीदनी पड़ जाती है। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए बताएगा, हाँ जी आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, एंग्लो मराठा वॉर रिजल्टेड इन मर्जिंग द पेशवास टेरिटरीज विद द बॉम्बे प्रेसिडेंसी, पेशवास को बॉम्बे प्रेसिडेंसी का हिस्सा बनना पड़ा था इस एंग्लो मराठा वॉर के बाद, एंड इट्स डैम डिफिकल्ट क्वेश्चन। चलो तो आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का आंसर थर्ड एंग्लो मराठा वॉर के बाद, थर्ड एंग्लो मराठा वॉर के बाद, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन देखेंगे, अरुंधति रॉय, अभी हमने ये क्वेश्चन किया था कि अरुंधति रॉय का एक किताब पढ़ा था गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, लेकिन इसमें कह रहा है नोट, यानी कि 3 किताबें अरुंधति रॉय की लिखी हुई है, एक किताब उनकी लिखी हुई नहीं, ठीक है ना, कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि एक मतलब अरुंधति रॉय की 3-3 किताबों का क्वेश्चन पता होना चाहिए, फिर एक उनकी नहीं है, नाम से मुझे समझ आ रहा है कि एक इकोनॉमिस्ट जो है, प्राइवेट लाइफ ऑफ इंडियन प्रिंस, एक राजकुमार के जीवन की गाथा तो नहीं गाते फिरेंगे, जहां तक मुझे लगता है कि एक इकोनॉमिस्ट के हिसाब से तो ये राजा तो बहुत कुछ करता है, ठीक है, अपनी प्राइवेट लाइफ में, अरुंधति रॉय को उसके बारे में इतना डिटेल तो नहीं पता होगी, तो उस हिसाब से क्वेश्चन का आंसर यही होना चाहिए, है ना, समझ रहे हो क्या कहना चाहो। एक और क्वेश्चन देखिए, जो भी वैल्यू ऐड होती है किसी इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, अगर जो भी वैल्यू ऐड होती है किसी भी फॉर्म में वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, देखो जो भी प्रोडक्शन हो रहा है माइनस इमीडिएट गुड जो यूज हो रहा है, इमीडिएट गुड मतलब जिसके थ्रू हम वो प्रोडक्शन कर रहे हैं उसको घटाना, तो वैल्यू ऐड, ठीक है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, मुश्किल क्वेश्चन था बट, हाँ जी कंप्यूटर का क्वेश्चन बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर विच ऑफ द इस इन क्वेश्चन से आपको सच में इसका प्रमाण मिल रहा होगा कि सच में सीएचएसएल के क्वेश्चन है ना, आते हैं ना फिर कंप्यूटर के क्वेश्चन इस हिसाब से, फॉलोइंग इज एन एक्सटेंशन ऑफ टेम्पररी फाइल, किसी भी टेम्पररी फाइल के एक्सटेंशन के लिए हम उसमें क्या लगाते हैं, .tmt .txt .tnt .tr, क्या लगता है। अच्छा तो आंसर क्या इस क्वेश्चन का, नाम से समझ आ रहा है टेम्परेरी फाइल है तो .tmp लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन, चोला एम्पायर टेम्पल कौन सा है, लास्ट क्वेश्चन, टेलीग्राम अमन सर टेक्स्टबुक सर्च करो, वीडियो को लाइक शेयर कर देना, ठीक है, कमेंट कर देना अपना जो भी एग्जाम आप दे रहे हो, आप एक बार ही इस वीडियो के कमेंट बॉक्स पे डाल दो एग्जाम कौन सा कवर कर रहे हो, मैं सुबह 8 बजे वादा करता हूँ कि
खूब क्वेश्चन ले आऊंगा, ऐसे सुबह 8 बजे कवर करवा दूंगा सर। एग्जाम का नाम लिख के जा रहा हूँ। आंसर इस क्वेश्चन का ठीक है, हरिवतेश्वरा टेम्पल। इसी बात पे आप टेलीग्राम सॉल्व कर लेना, अमन सर टेक्स्ट बुक, जो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा, क्योंकि उसमें आपको पीडीएफ की सुविधा दी जाएगी। टेलीग्राम अमन सर टेक्स्ट बुक ठीक है, सभी ज्वाइन करेंगे, सर्च कर लोगे तो आपको मिल ही जाएगा। आप मुझसे कनेक्ट भी कर जाइए, अगर आपको कोई डाउट है, कुछ पूछना है, कनेक्ट करना है पढ़ाई से संबंधित कुछ भी, ठीक है, तो आप टेलीग्राम अमन सर टेक्स्ट बुक ज्वाइन करिए, ठीक है, सर्च कर लो मिल जाएगा। बाकी बैच में आप ये वाले देखो, ये डील अच्छी डील है, सीएचएसएल का फतेह बैच लोन चूरा है ये, मैं इसलिए बता रहा हूँ, सिर्फ 300 रुपए से भी कम है, 280 रुपए में पूरा बैच। अमनदीप कोड यूज करो, 280 रुपए में सीएचएसएल का पूरा बैच, और 9 तारीख से क्लास भी स्टार्ट है। क्या खूब बात यह है कि 9 तारीख से क्लास भी स्टार्ट है, ठीक है। जैसे एसएससी में जाओ, एसएससी गोल में आप सीएचएसएल पे ही सेलेक्ट करो, देखो ये है सीएचएसएल, इधर जाओ, ये आपका बैच कौन सा है एक्सप्लोर करना, सीएचएसएल का बैच में आएगा आपका फतेह बैच। आप जब आप बाय नाउ पे क्लिक करोगे, अभी इसका फीस कम करके दिखाते हैं आपको, अप्लाई कूपन कोड में हटा दो, ठीक है, हटा दो, एक कोड लगाओ AMANDEEP अमनदीप, एक कोड लगाओ, अप्लाई करो, फीस 288 यानी कि 290 के आसपास लमसम फीस, 300 से भी कम, और 9 तारीख से बैच स्टार्ट हो रहा है, सारे टीचर पढ़ाएंगे, इसी एक फीस में आपको सारे टीचर, सारा बड़ा बैच मिलेगा, ठीक है, बेहतरीन बैच होगा, बेस्ट बैच होगा, उसमें मैं जीके पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप सभी जुड़ेंगे, और जो नहीं जुड़ेगा उसको यार ठीक है यूट्यूब से पढ़ना चाहिए, लेकिन पेड बैच पे पढ़ोगे ज्यादा बढ़िया है, ठीक है। टेलीग्राम आंसर टेस्ट बुक रन करिए, थैंक यू वेरी मच, वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब 100% करिए, टेलीग्राम भी 100% ज्वाइन करिए।